Smoking causes cancer. Smoking kills. Liquor drinking is injurious to health. हेलो माँ, मैं बस से उतर गई हूँ, बस घर की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ, दवा ले ली है, दोनों की ले ली है। माँ पिताजी से कह दो वो गली तक आ जाएं, वहाँ बहुत कुत्ते हैं। ठीक है माँ। हाँ बोल भाई। हाँ मैं फ्लैट के नीचे पहुंच गया हूँ। नहीं अभी तो मैं अकेले आया हूँ, वो लोग बाद में आएंगे। हाँ हाँ कितने हो भाई? 50 रुपये। ये लो। हाँ 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 ठीक है। बेटा तुम नए आए हो क्या? हाँ माँ जी। तुम्हारा नाम क्या है? जी विनीत। कहाँ से आए हो? जी बहुत दूर से आया हूँ। घर में कौन कौन है? माँ पिताजी बहन सब लोग। ऐसा लगता है पहली बार माँ को छोड़कर आए हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें जहाँ पहुँचना था बिल्कुल सही वक्त पर पहुँचे हो। और मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ ना, कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। ये लीजिए। बेटा विनीत। हाँ? ये लो, इसे संभाल कर रखना, जब गांव जाओगे तो अपनी माँ को दे देना। ठीक है। भाई साहब, भाई साहब। क्या है? मुझे प्रकाश जी ने भेजा है, फ्लैट की चाबी दीजिए। फ्लैट की चाबी? मैं तो डर ही गया था। हाँ वो सीरियल वाले प्रकाश जी ना? जी हाँ। दरअसल यहाँ पर 3-4 प्रकाश हैं, कुछ लोगों को जैसे दूसरा नाम मिलता ही नहीं है, बस 4-5 ही नाम होते हैं, प्रकाश, सचिन, सुरेश, राजू, संजय। हाँ, वैसे आपका नाम क्या है? सुरेश। सुरेश अनोखा है। मेरे पिताजी ने बहुत प्यार से रखा था। आप तो रात में आने वाले थे। ट्रेन मिस हो गई इसलिए बस से आया हूँ। मैं कल रात से आपका इंतजार कर रहा था। आप अकेले रहेंगे क्या? नहीं, 3 लोग और रहेंगे, वो बस आने वाले हैं। ओह चलिए अच्छी बात है, आइए। तो ये रहा आपका फ्लैट, 13D। बहुत ही बढ़िया फ्लैट है, दायां पैर रख के प्रवेश कीजिए। ओके। बहुत दिनों से बंद पड़ा था यह फ्लैट, काफी दिनों से साफ सफाई भी नहीं हुई। विनीत, मैं साफ करवा दूंगा इसे। जब प्रकाश जी का फोन आया तो मैंने एक नौकरानी का इंतजाम किया था।
वो रोज आकर साफ सफाई कर दिया करेगी। ठीक है। अरे ये तो बहुत ही साफ सुथरा लग रहा है। लगता है नौकरानी पहले ही आकर साफ सफाई करके चली गई। ओ आप थक गए होंगे। हाँ थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है। बेटा वहाँ सब सुविधा है ना? माँ ये फ्लैट बहुत बड़ा है। बेटा तेरे जाने के बाद घर सुना सुना लग रहा है। ओ ये किसी सीरियल का डायलॉग है क्या? तू भी ना बेटा। माँ परी वहाँ है क्या? ओ यही मेरे पास ही बैठी है, अभी देती हूँ। फुर्सत मिल गई फोन करने को? मैंने तो अभी भी तुम्हें फोन नहीं किया था, मैंने तो माँ को किया था। तुम उससे बात करने का मन नहीं है, है ना? कल से तुमसे बात नहीं हुई ना, इसलिए झगड़ा नहीं हुआ। वहाँ और कौन कौन है? यहाँ यहाँ तो बहुत सी लड़कियाँ हैं। तो क्या उन लड़कियों से मिलकर मुझे भूल जाओगे? मैं जानता हूँ तुम घूम फिर के इसी बात पे आने वाली हो। तुम पागल हो गई हो क्या? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आया। और अब ना कोई आएगा। अरे मेरा अरे भाई क्या बात है यार, प्रकाश तो बहुत मोटा हो गया। सब शूटिंग के खाने का असर है, दोनों टाइम नॉन वेज। ये हमारे सीरियल का असिस्टेंट डायरेक्टर है। नाम क्या बताया था? साकिर। हाँ साकिर। और ये मेरा दोस्त विनीत है। ओके विनीत, एड्रेस ढूंढने में तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं 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 हुई। सच बताऊं तो जब तुमने कहा तो मैं घबरा ही गया था यार। ये तो हैरी है ना? क्या बात कर रहा है? मैं सीरियल की बात कर रहा हूं। पूछ ले। हाँ इस प्रोड्यूसर के पास बहुत पैसा है, वो तो बाहुबली जैसे सब्जेक्ट पर काम करना चाहता है। जब बाहुबली जैसा सीरियल बनाएगा उसके बाद कोई भी सीरियल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तुझे फ्लैट पसंद आया ना? बहुत अच्छा है यार। बहुत दिनों से बंद था पर सारी सुविधाएं हैं। हाँ। अरे मैनेजर मेरी पहचान का नहीं होता ना तो तुझे ये फ्लैट नहीं मिल पाता। नहीं यार। हाँ, खाना खा लिया क्या? अभी नहीं। तो अंदर जाके तैयार हो जा, कहीं बाहर जाके खाना खाते हैं आज। ओके। सब बाहुबली ही बना रहे हैं, सबको बाहुबली ही बनाना है, मैं भी ऑस्कर लूंगा। हेलो सुनो, 12 बजे रेडी रहना, ट्यूशन से मिलने जाना है, गाड़ी आ जाएगी। हाँ ठीक है। बाय। अपनी पत्नी के गलत रास्ते पर चले जाने के बाद रमेश शराब में डूब जाता है, पर वो गीता को अपना बनाना चाहता है। और दूसरी तरफ हम दिखाएंगे सर कि गीता सुधीर की ऑफिस में काम करने लग गई है और उधर कोई सुधीर को मारने का प्लान कर रहा है। सुधीर को मारने का प्लान कौन कर रहा है आप लोग जानते हो? राधा किशन, जो उसकी पहली पत्नी जानकी का बेटा है। ये बात अरुण नहीं जानता है। यहाँ आएगा एक जोरदार ट्विस्ट। कैसी लग रही है कहानी सर? मस्त है। ये क्या कहानी है? इससे पहले जो खिले खिले फूल सीरियल बनाए थे सेम कहानी है। वैसा कुछ नहीं है सर, उसमें बाल कृष्ण और नवीन थे, इसमें राधा कृष्ण और रमेश हैं। नाम बिल्कुल अलग है और कहानी भी अलग है। प्यारे भाई महेश्वर, इतनी हटी हुई कहानी मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं सुनी। इस कहानी के लिए मुझसे तुम डेट चाहते हो? इस तरह की बेसिर पैर की कहानी सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। एक मिनट सर, इससे अच्छी तो कहानी थी जो मैं सुना रहा था। सर और भी ये सुनाते हैं ना। एक मिनट सर, 1000 है। अरे मेरे भाई कहानी को कुछ मत बोलो, ये आदमी ABCD भी नहीं जानता है पर बहुत पैसे वाला है। अरे हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। अच्छा तुम्हें लगता है उसे ABCD भी पता नहीं है, पर तुम भी अपना काम भूल गए हो। तुम थोड़े दिनों के लिए किसी को असिस्ट करो। आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बहुत टैलेंटेड एसोसिएट को बुलाया हूँ इस काम के लिए। आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी, वो संभाल लेगा। आप थोड़ा एडजस्ट करो ना, मैं आपका पेमेंट भी बढ़वा दूंगा। ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। बस आपका इतना ही कहना मेरे लिए बहुत है सर। टोपी। ये क्या है? टोपी आपने मंगवाई थी ना सर?
मैंने ये वाली टोपी मांगी थी। फिर कौन थी? अरे अपने श्याम बेनेगल और सुभाष गई पहनते वो राउंड वाली कैप मांगी थी। ये कैसी टोपी लाया है? चल यहाँ से, जा। संत। इसने तो दिमाग ही खराब कर दिया यार। सर क्या हुआ? टोपी से कोई प्रॉब्लम है? प्रकाश उस लड़के को आज ही निकाल दो। क्या हुआ सर? अरे डायरेक्टर कौन सी कैप पहनता है उसे नहीं मालूम। ये देखो कैसी टोपी लेके आया है ब्लड स्टूपिड। सर आप तो हमेशा से वही टोपी लगा के डायरेक्शन करते हैं ना। तुम जानते हो ना? ओके ओके। ये विनीत है, साउंड इंजीनियर है। हाय सर। आप मुझे जानते हैं? मैं एक बहुत बड़ा सीरियल बना रहा हूँ, बिल्कुल बाहुबली जैसा। ओके। आप अकेले ही आए हो? बाकी लोग कब आएंगे? वो एक दो दिन में आ जाएंगे सर। सुनो काम परफेक्ट होना चाहिए, काम चोरी नहीं चलेगी, काम में नो कॉम्प्रोमाइज। ओके। मैं तो किसी बड़े साउंड इंजीनियर को बुलाने वाला था पर प्रकाश ने बहुत रिक्वेस्ट की इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तो विनीत तुम सब कुछ समझ गए हो, काम अच्छा होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। ओके। हाँ सूरज बोल। अभी तुम कहाँ हो? मैं त्रिवेंद्रम में हूँ, एक सीरियल कर रहा हूँ। लोकेशन पर हो क्या? नहीं यार अभी शुरू नहीं हुआ। भाई मैं एक शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ। चल यार बहुत बहुत बधाई हो तुझे भी। विनीत हाँ? मेरा लैपटॉप फॉर्मेट हो गया है, उसके सारे मटेरियल डिलीट हो गए हैं। तुम्हारे पास नल से पानी गिरने का साउंड है क्या? नहीं यार देखना पड़ेगा। अरे भाई तुम्हारे पास माइक है तो लाइव रिकॉर्ड करके भेज दो ना। मैं तुम्हें वीडियो भेजता हूँ। ठीक है भेज। ठीक है पर ध्यान से मैच करके भेजना प्लीज। हाँ बोलो। हाँ क्यों जी, काम में इतने बिजी हो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं जिंदा हूँ या मर गई? बोलो। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं चाहे कितना भी बिजी हो जाऊँ लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। फिर भी तो तुमने फोन नहीं किया ना। मैं करूँ या तुम करो क्या फर्क पड़ता है? मेरे पेट में दर्द है और कमर भी दुख रही है। कमर में दर्द है? मैं आके मालिश कर दूं क्या? नहीं सुनिए जी, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने माँ से कह दिया है कल हम दोनों उत्तम वैद्य के यहाँ जाने वाले हैं। उत्तम वैद्य? वो क्यों? उसके यहाँ भूल के भी मत जाना, तुम किसी डॉक्टर को दिखाओ। आप वैद्य के यहाँ जाने से मना क्यों कर रहे हैं? माँ ने कहा है उनके पास जाने से सारी बीमारी ठीक हो जाती है। वो आदमी सही नहीं है, मीठी मीठी बातें करके सबको पटाता है बस। ओहो बस ठीक है, मेरी जान मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है। एग्जैक्टली दर्द कहाँ हो रहा है दिखाओ ना। चलो हटो। पानी खत्म हो गया। छः। जो चाहिए था वो मिला भी कि नहीं। हेलो। हाँ बोल। हाँ विनीत तुमने जो साउंड भेजा वो तो मुझे मिल गया, लेकिन जब प्ले किया तो किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही है। हाँ? क्या बात कर रहा है तू? खुद चेक कर ले यार। लड़की की आवाज आ रही है। सुरेश भाई क्या कर रहे हो आप? मेरा एक बचपन का दोस्त है बबलू, उसने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, कह रहा है अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। ये देखो ये निशान भी भेजा है। ये मोबाइल पर लाल लाल निशान का क्या मतलब है? अरे नहीं नहीं ये तो देश का सिंबल है। ऐसा है, तब तो इसे प्रणाम करना चाहिए। हाँ। अच्छा मेरे से पहले उस फ्लैट में कोई रहता था क्या तुम्हारे? हाँ। मुझे यहाँ आए 2 साल हो गए हैं, तब से तो वो फ्लैट बंद पड़ा है। इसका मतलब मेरे अलावा कोई नहीं रहता था? अमेरिका में एक डॉक्टर है उन्हीं का ये फ्लैट है, वो जब यहाँ आए तो रहने के लिए ये फ्लैट लिया था। पिछली बार जब यहाँ कुछ दिनों के लिए आए थे तो लौटते वक्त एक कार एक्सीडेंट में पूरा परिवार मारा गया। उनकी बड़ी बेटी बहुत दिनों तक आईसीयू में थी, 2 महीने पहले उसकी भी डेथ हो गई। फ्लैट उसी के नाम से है, उसे बेच भी नहीं सकते इसीलिए किराए पे दिया है। ठीक है भाई बाद में मिलता हूँ। अरे भाई वो फ्लैट तो बहुत लकी है। अब पता नहीं किसका मैसेज आ गया। Oh, my God.
है? कुछ नहीं, गर्मी बहुत है। यहाँ कोई लड़की रहती है क्या? नहीं, मुझे लड़की नहीं, सिर्फ एक लड़का है। मैंने कई बार किसी लड़की की रोने की आवाज सुनी है, कहीं वो आपकी तो नहीं? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? हो सकता है कि तुम्हें वहम हुआ होगा टीवी की आवाज से। हाँ, हो सकता है। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए ना। आप बाहर जाते हो तो टीवी बंद नहीं करते क्या? बहुत आवाज आती है, आगे से ध्यान रखना, कोई कंप्लेन करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उनकी बड़ी बेटी बड़ी दिनों तक आईसीयू में थी, 2 महीने पहले उसकी भी डेथ हो गई। पता नहीं नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा। माँ? हाँ हाँ, बोल बेटा। हाँ मम्मी। लोगों को परमिशन कौन देता है गाड़ी चलाने की? सबसे गंदे तरीके से गाड़ी चलाया है। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब? सुनो, अरे भाई साहब, ये मेरे भाई की बात नहीं। अरे क्यों क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? लगा के छोड़ ना यार उसे। गाड़ी तोड़ दूंगा तेरे पे। क्यों झगड़े कर रहे हो तुम? उसको जल्दी से गाड़ी से सीधा। रुक जा भाई साहब, मैं आपके आगे आ रहा हूं। रुकिए रुकिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे कहीं भी घुसा देगा, मैं तुझे देख लूंगा। मैं होता है बस बस बस, से ज्यादा पैसे देता है और कहीं भी गाड़ी घुसा देता है। अरे ऐसे कोई चलाता है गाड़ी बड़ा? कहां कहां से आ जाते हैं भिखारी? अरे भाई साहब, छोड़ दो यार, चले दे यार, खड़ा हो गया यहां पे। अरे क्या कर रहे हो? लग जाएगा, छोड़ूंगा ना तुझे। बहुत ही समय, बहुत बड़ा भाला है, चल आगे। आपको चलना है, चल, अकेले निकलना नहीं, मैं तो जान से मार दूंगा तुझे। समझता नहीं है? मारूंगा यार, तू अपनी ऑटो लेके जान से जानता नहीं है, काट के फेंक दूंगा तुझे, समझा ना? अरे बस बस, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं, चल अंदर जा। कर रहा है यार सुदीप, पागल मत बन यार। भागता क्या है तू? भी ना यार, पागल हो गया क्या? उसने बहुत मारा क्या आपको? तू बीच में मत बोल, चल चल चलता हूं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कालिए, और छोड़ूंगा नहीं तुझे, मारूंगा बॉल, चल चल, अरे मर जाएगा, मुझे मारेगा तू, मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। अरे तू छोड़, अरे अरे छोड़, क्या कर रहा है? अली अली अली, हट जा, छोड़ कर रहा है। अरे ये भी उसी से मिला हुआ है, मैंने उससे कहा कि उसे रोक, तो ये मुझसे झगड़ने लगा। मैं क्या इसे छोड़ दूंगा? मार डालूंगा तुझे, रुक दूंगा, छोड़ मेरी बात, छोड़ूंगा नहीं। अरे मैंने तुम्हारी फाइट को फेसबुक पर डाला है, 5 मिनट में 500 लाइक आ गए। सर एक सेल्फी ले लेता हूँ, मेरी वाइफ फाइट बहुत पसंद करती है। अरे यार, उसने कब काट लिया पता भी नहीं चला। अरे भाई तुम चिंता मत करो, मैंने उसे मारा भी और साथ में काटा भी। तूने भी उसे काटा क्या? हाँ, अरे पूरा मुंह का निशान बना। चल भागना, चल। तू बेकार में लड़के मार खा गया उसे, कम से कम मैंने सबक तो सिखाया। और सुन, लड़ाई में मार नहीं खाना चाहिए, मार के आना चाहिए, समझा? भाइयों, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ यार। क्यों, तुम्हारे मामा की लड़की भाग गई क्या? यार मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, तू हमेशा मजाक मत किया कर। अबे चुप हो जा, ये सीरियस बात कर रहा है। हाँ हाँ, तू बोल। मेरी बात पे तुम लोग यकीन नहीं करोगे। क्या बोल रहा है यार? यहाँ कोई है? अरे ये तो हम भी जानते हैं, यहाँ हम तीनों हैं। ए, हम तीनों के अलावा भी और कोई है? क्या बोल रहा है, स्टीफन आ गया क्या? पर उसने तो कहा था कि वो परसों आएगा, इतनी जल्दी कैसे आ गया? यार पागल हो गया क्या? चुप रह, इस फ्लैट में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? अबे चोर कहीं है? हमारे आने से पहले फ्लैट में किसी लड़की को लाया था क्या? कहाँ है वो? बुलाओ उसे, इधर। मैं किसी को नहीं लाया। बोला ना? वो भूतनी है। भूतनी है, इस फ्लैट के मालिक की लड़की। ये तू सीरियसली बोल रहा है? हाँ यार, ये तो अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहते हो? मैं जानता था तुम लोग नहीं मानोगे। हम पागल हैं, तेरी बात मानेंगे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं मानता हूँ। अच्छा दिखा दिखा। और मैं तुम लोग को भी दिखाऊंगा। क्या हो गया इसे, बच्चों की तरह बात कर रहा है, बोल रहा है कि भूत दिखाऊंगा? अबे यार, ये तो पागलों जैसी हरकत कर रहा है। क्या दिखाता है? डर लग रहा है यार। ओ चल भाई, अब क्या देख रहा है तू? मैंने यहाँ पे पेन कैमरा रखा था यार, हैं? लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा है, उसमें पक्का सबूत मिलेगा, 100%। यार हो सकता है
हाँ? कि वो भूतनी उस पेन कैमरे को लेकर के कहीं चली गई हो। हाँ यार तू सही कह रहा है। क्या यार सुन भाई, इसे पागलखाने में भर्ती कराने का टाइम आ गया है। चलने दो भाई। चलो, चलो। भाई इसे बहुत प्रॉब्लम है, जरा देख लेना यार। अपना ध्यान रख भाई। अच्छा सुन मिनित। हाँ? मेरे जैसे कट्टर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले से भूत प्रेत की बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे हम आस्तिक है, ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं। हम भूत प्रेत आत्मा वात्मा से डरने वाले बिल्कुल नहीं है, याद रखना इस बात को। अपना हक लेके रहेंगे हम, किसी से डरेंगे नहीं। अपना हक लेके रहेंगे हम, किसी से डरेंगे नहीं। अपना हक लेके रहेंगे हम, किसी से डरेंगे नहीं। क्या है बे? तू आधी रात को एक हाथ हवा में क्यों घुमा रहा है यार? हवा में? चुप हो जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। तू इतना डरपोक कैसे हो गया? तू मर्द है, मर्द की तरह हिम्मत रखनी चाहिए। बच्चों की तरह डरने से काम नहीं चलेगा। ये क्या है? मैं तो बस ऐसे ही चिल्लाया। अरे यार वैसे मैं भी डर गया था यार, मैं तो बहुत निडर हूं। जा जाके सो जा चुपचाप। अरे यार ये तो स्टीफन है। अरे वो स्टीफन की तरह लग रहा है लेकिन है कोई और। आए? अरे यार वो स्टीफन ही है, पर उसके साथ वो लड़की कौन है? ये कभी नहीं सुधरेगा, हर दिन किसी न किसी नई लड़की के साथ घूमता रहता है। थैंक्स फॉर द लिफ्ट चित्रा। देखो अब मैं यहीं रहने वाला हूँ, मिलेंगे और बातचीत करेंगे। सॉरी मैं कल यूएस जा रही हूँ। अरे ये क्या, तुम इतनी अच्छी लड़की हो, तुम भी यूएस चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? ओह नो आईडिया। ओके बाय बाय। बाय। हेलो, एक बार और सोच लो बेबी। उसका जवाब हम दे तो चलेगा क्या? हाय दोस्तों, क्या बात है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तेरी हरकतों में जरा भी बदलाव नहीं आया। कैसी हरकतें? अरे मैं जैसे ही स्टेशन पे उतरा ना, वो लड़की मुझे मिली और कहा कि आप तो मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर स्टीफन है ना। मैंने हाँ कह दिया, वो खुशी से झूम उठी और मुझे लिफ्ट दे दी। हाँ आगे फिर क्या, मैं उसके बाइक में बैठा और सीधा यहाँ चला आया। वैसे मुझे ज्यादा सवाल करने वाले पसंद नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की। अरे यार अभी तो नाश्ता करके आए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पेट में चूहे कूद रहे बहुत। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ए मेरा मजाक मत उड़ाओ यार, ये ऐसे क्यों खड़ा है जैसे मंदिर के बाहर कोई गाय खड़ी हो। दो दिन से इसकी तबीयत खराब है, पता नहीं क्या क्या दिखता रहता है इसे। सुन ना उस बाइक वाली लड़की का नाम तो बता। क्यों बे, फेसबुक पे जाके उसे पटाना चाहता है? मैं नहीं दूंगा। तू ना कभी सुखी नहीं रहेगा, जा। अरे यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई ये कहता है इस घर में भूत है यार। आज के जमाने में कौन भूत प्रेत पे विश्वास करता है? यही बात तो मैंने भी कही थी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो घर बदल देते हैं ना। बेटा क्या कर रहे हो? गुड बाय गुड बाय। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं छोड़ा जानते हो, चलो घर चलो। बहुत अच्छा लड़का है। चलो भी चल भाग। बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, समझ गए तुम? कोई बात नहीं, क्या भाई ऐसा है तो है? अगर ऐसा है तो घर छोड़ के जाना पागलपन है। अच्छा यार मेरी बात सुनो, इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तुमने देखा है क्या? नहीं देखा, पर इस घर में हमेशा मुझे कुछ ना कुछ एहसास होता है। भाई देख कुछ भी हो लेकिन ये सिर्फ तेरा वहम है, समझ गया? करेक्ट।
देखो मैंने भी भूत प्रेत के बारे में सुना है, अगर है तो देखना चाहूंगा। खुल जा सेम सेम। खुल गया। चलो अंदर आ जाओ। जाओ अंदर। क्या आना है कि इसे लगभग 150 पुशअप करना पड़ेगा आजकल। इसकी मौत हो जाएगी। देख दोस्त, ये है अपना स्वर्ग। वाओ, बहुत मस्त घर है यार, एकदम खुला खुला है। ऐसा घर छोड़ के जाने की बात कर रहा था पागल। इसीलिए तो कह रहा था कि पागल खाने में भर्ती कराने का समय आ गया इसका। करेक्ट। ये देखो, मैं अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक प्यारी सी चीज लाया हूँ। मैं नहीं जानता था, मैंने नहीं सोचा था कि तू हमसे इतना प्यार कर रहा है। मैं मन कर रहा है तुझे चूम लूं। मैं जानता था कि तू खाली हाथ तो नहीं आएगा। क्या ये? मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। इस कहानी में मैं ऐसी चीज को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको देखकर सब चौंक जाएंगे। मेरा सब्जेक्ट है एक डैम। डैम। हाँ बिल्कुल, कुछ दिन बाद वो डैम फट जाएगा, उसके बाद वहाँ रहने वाले सांस भी नहीं ले पाएंगे, बूंद बूंद पानी के लिए तड़पेंगे। मेरी सांस तो अभी से रुक गई है भाई। सुनो, लग मेरी बात सुनो, मेरी कहानी कैसी लगी आप? सच कहूँ तो मुझे कहानी अच्छी नहीं लगी। अरे सही कहा, मैं भी यही बोलने वाला था। बिल्कुल सही, मजा आ गया। मैं तो कहता हूँ तुम मुझे हीरो बनाओ, पैसे में लगा रहा हूँ ना, फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे छोड़ो, बोल मुझे हीरो बनाएगा कि नहीं, बनाएगा कि नहीं, कैसे निकलेगा हीरो? सर आप अच्छे हो, आपका फ्लैट भी बहुत अच्छा है, एकदम मस्त। एक मिनट रुक जा, ए बैग बना तू। ऐसा डायरेक्टर मुझे नहीं चाहिए। तुम हीरो नहीं बन सकते यार। छोड़ दिए तुझे। ए नहीं चाहिए ये, मेरे आने से पहले इसको भगा देना। संभल के जाना सर। हाँ ठीक है सर। भाई तुम ठीक हो? वो ठीक नहीं लगा मुझे। मल के जाना भाई। अरे भाई उसे पता है ना कि बाथरूम किधर है? मेरा घर है, मुझे पता नहीं होगा क्या? मैं अभी तक 6 सीरियल डायरेक्ट कर चुका हूँ, वो मेरे बारे में कैसी बातें कर रहा है? उसको पता नहीं मैं कौन हूँ। मुझे बोलते है कि मैं हीरो नहीं बन सकता। अरे ये कौन है? हीरोइन? आई एम प्रोड्यूसर, कुछ दिनों में हीरो बनने वाला हूँ। अरे मेरी हीरोइन सो क्यों रही? आके बैठ गई, हमेशा तुम मुझे डराती हो। हाँ अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो जल्दी से बाहर निकलो। हे गूंगी हो क्या तुम? मैं कह रहा हूं ना नीचे उतरो, नीचे उतरो तुम, बाहर आओ। अरे क्या चिल्ला रहा है? मैं स्टीफन प्रोड्यूसर हूं। ये बताओ तुम किससे बात कर रहे थे? किससे बात कर रहे थे? हैं वो मैं फोन पे किसी से बात कर रहा था। ठीक है ये ले अपना फोन। अभी से बात कर। क्या जानते हो? तेरा चेहरा देखते ही मुझे सब पता चल गया भाई। कल रात का तेरा नशा उतरा नहीं है, इसलिए बोलता हूँ कम पिया कर। ठीक है ठीक है, तुम जाओ। ये कबाड़ किसने बंद किया यार? अरे पीछे हट। क्यों भाई, आज मैं कपड़े नहीं पहनूंगा क्या? तू आज कपड़े मत पहन। मैंने अंडरवियर भी नहीं पहनी है। अबे रोज पहनता है क्या? देख तू मेरी इज्जत पे सवाल उठा रहा है, ये मेरी चीज है, मेरी मर्जी से होगी, तू बीच में मत बोल। देख मैंने इसमें पेस्ट कंट्रोल की दवाई डाली है, अभी इस कवर को नहीं खोल सकते हैं। तू जा, एक काम कर, तू मेरी अंडरवियर पहन ले। आराम से। अरे जाना यार तू, तू तो ऐसे गर्म हो रहा है जैसे कवर्ड के अंदर कोई लड़की बंद करके रखा है। इस तरह से पहरा क्यों दे रहा है? दाल में जरूर कुछ काला लग रहा है मुझे। तो
अब तक जो तुम्हारा है मेरे इस्तेमाल करने के बाद वो मेरा हो, उसके बाद मैं उसे लौटाने वाला नहीं हूँ। मौका देख के चौका मारने वाला आदमी दोस्ती में ऐसा कर रहा है मेरे साथ। देखा ना, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया। मैं पागलों की तरह रोज चिल्लाता था लेकिन तुम लोग विश्वास नहीं करते थे। यह कबर्ड में कैसे आई? अब एक कबर्ड में नहीं, फ्लैट में। जब तक मैंने इसे नहीं देखा था मैं यही सोचता था कि इस फ्लैट में कोई भूत प्रेत है यार। इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। लेकिन इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई। जिस फ्लैट में सिर्फ लड़के रहते हैं उस फ्लैट में ये छुप के रह रही है। अच्छा तुमने इसे बात की क्या? लेकिन इस लड़की ने अभी तक मुंह नहीं खोला यार। अरे ये हिंदी नहीं जानती होगी। पिछले हफ्ते मेरे मामा के घर ऐसी एक बंगाली लड़की घुस गई थी। पता है क्या हुआ? मामा ने उसे पकड़ लिया लेकिन पुलिस मामा को पकड़ के ले गई। मामा को क्यों? मामा ने उस पे चोरी का इल्जाम लगाया लेकिन उसने मामा के ऊपर रेप का इल्जाम लगा दिया। और क्या, ये भी कुछ ऐसा ही कर सकती है। इसे सावधानी से हैंडल करना होगा हमें। अच्छा एक काम करो, तुम भोजपुरी जानती हो ना, भोजपुरी में जरा इसे सवाल जवाब करो, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, देखते हैं बोलती है कि नहीं। मेरा फ्लो नहीं बनेगा यार। अबे मैं हूँ ना, तो बात तो कर उससे। ए चोरनी, बढ़िया, तू हमार घर में का कर रहा बाड़ू? निकला जल्दी। तू हमरा का तकलीफ का है देता डू? तू चुप रहा। मुझे क्या चुप रहा है बोल रहा हूँ? चुप तो वो है। ए चोरनी, तू चोर तो हम बड़का चोर। हम दोनों बिरयानी चोर। मैं हिंदी जानती हूँ। भाई ये हिंदी जानती है, अपनी भोजपुरी बंद करते हैं, उसे बाद में कहीं यूज कर लेंगे। अरे तुम अभी तक अंदर क्यों बैठी हो ऐसे? चलो बाहर निकलो वहाँ से। सीधे सीधे बताओ तुम कौन हो? मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ। मैं यहाँ कैसे आई और कितने दिनों से यहाँ हूँ ये सब मैं नहीं जानती। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, पर कहाँ जाऊंगी ये सोचकर यहाँ रह रही हूँ। ये सही कह रही है। अबे मुझे लग रहा है ये सब झूठ बोल रही है, इसे बाहर निकालना पड़ेगा। ए बाहर निकल, बाहर निकल। ए संभाल के, संभाल के। अरे क्या हुआ? अबे चोट तो नहीं लगी? उठ उठ उठ। अरे उठना। मुझे चोट नहीं लगी, इसे निकालना पड़ेगा। कहाँ चली गई है? कहाँ गई? मुझे लगता है डर के वो कहीं भाग तो नहीं गई। अरे नहीं नहीं, वो पक्की चोरनी है, यहीं कहीं होगी। कहाँ है उसे ढूंढो, कहाँ है तू? अरे लेकिन जा कहाँ सकती है वो? ए सुनना, ए ओ भाई ओ। ओ लड़की किधर हो? कहाँ चली गई? यहाँ भी नहीं है। आखिर इतनी जल्दी चली कहाँ गई? अरे वेनो, हाँ पता नहीं कहाँ है यार वो, और ढूंढा मैंने उसे। अबे तूने टीवी क्यों ऑन की? रूपा तो सही। अरे ये कहाँ से आ गई यार? भागो। अरे मम्मी, मम्मी, मम्मी बचाओ, भाग जाओ। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? जाके देखना उसे क्या कर रही है, जाना। अबे तू जाके ढूंढना। एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। अरे बाबे, अपने क्यों तंग कर रही है लड़की हमें? हे भगवान, माता जी, शिव जी, जीसस, अल्लाह, हमें बचा लो, बचा लो, हमें बचा लो, बचा लो। हे भगवान, पानी पानी पीता हूँ। मुझे भी दे, मुझे भी दे। अरे प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। सच सच बताओ, तुम भूत नहीं हो क्या? मैंने तुझसे कहा था ना कि इस घर में भूत है। अबे चुप ना, तुझे देखना था तो देखता, मुझे क्यों दिखाया इसे? हे भगवान, मेरी मौत एक भूतनी के हाथों होगी, मैंने नहीं सोचा। अबे तू मजा, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी सोच, मेरी सगाई हुई है यार, शादी से पहले ही मेरी बीवी विधवा हो जाएगी, मैं भरी जवानी में मर जाऊंगा। अरे यार ये ऐसे क्यों घूर रही है? अबे पहले किसे मारूं इस कंफ्यूजन में होगी ये। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है या बी? मेरा बी है। अबे क्या हुआ? पापी पहले मेरा खून पिएगी। ऐसा क्यों बोल रहा है तू?
अबे मेरा ब्लड। अबे ये कोई अंग्रेज बुद्धि नहीं जो अल्फाबेट के हिसाब से खून पिएगी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा तो फिर क्या होता है भाई? ये भूतनी रो क्यों रही है? ये तो मुझे भोली भाली भूतनी लग रही है ना? सुनो प्यारी भूतनी, तुम रो मत, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है ना? सही कह रहा है। तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं कुछ नहीं जानती, कुछ दिनों से इधर उधर भटक रही थी, लेकिन यहाँ कब और कैसे आ गई कुछ नहीं पता। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मैं ये भी नहीं जानती। हमसे पहले इस फ्लैट में एक डॉक्टर की फैमिली रहती थी। डॉक्टर? एक मिनट मैं आता हूँ। मैं भी अभी आता हूँ। अकेला छोड़कर भाग गया मुझे। शे, ये सब तो अली की चीजें हैं यार, इसके बिना तो वो सोता ही नहीं है। ये एक डॉक्टर की परिवार की चीजें हैं। पूरा परिवार एक्सीडेंट में मारा गया, थोड़ी दिन पहले उसकी बेटी भी मर गई, कहीं वो यही लड़की तो नहीं? हेलो। हाँ अभी हम लोग घर में ही हैं, मैं बोलता हूँ। ठीक है ना यार, हमें एक जरूरी काम से बाहर जाना है। तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। ठीक है चलो निकलते हैं, हम जाके आते हैं, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। चिंता मत करना है, हम लोग आते हैं। हाँ। चलना यार। त्रिवेंद्रम बहुत बड़ा शहर है। जी हाँ। ए, तुम उनके बारे में जानते हो क्या? नहीं जानता। वो लोग हमारी जानकारी के बिना कुछ काला कांडी कर रहे हैं। What काला कांडी man? कल रात से वो दोनों छुप छुप के बातें कर रहे हैं, और आज उन लोगों ने शराब भी नहीं पी है। उन दोनों ने शराब नहीं पी तो अच्छा है ना, उनके हिस्से की भी हमने पी ली। ला दे, देना। मुझे शक है कि वो दोनों अरे नीचे रहने वाली भाभी के साथ जरूर कोई चक्कर चला रहे हैं। भाभी? कौन भाभी? तूने नहीं देखा क्या, वो गोरी चमड़ी वाली भाभी? ए मैंने तो नहीं देखा, पर तू तो कल ही आया है, तुझे कैसे पता चला इस? मेरा नाम स्टीफन है, खाना चाहे कहीं भी रखा हो उसे सूंघता सूंघता मैं पहुंच ही जाता हूँ। तुमको जहाँ पहुंचना है पहुंच जाओ। अबे बदमाश। अरे यार बहुत टाइम हो गया, चलो जा जाके सो जाओ। करेक्ट। हे वो दोनों शराब पीकर के टाइट हो गए हैं, अब तुम उसे बुलाओ। मैं यहाँ। भूत बेबी तुमने तो अचानक हमें डराई दिया। प्लीज मुझे भूतनी मत कहो। तुमने अपना नाम तो हमें बताया ही नहीं, तो हम भूतनी ना बोले तो क्या बोले? मेरा नाम क्या है ये मैं नहीं जानती, कुछ भी याद करने की कोशिश करती हूँ तो सिर्फ अंधेरा नजर आता है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं कितने दिनों से यहाँ पर हूँ, और जब आप लोग यहाँ पर रहने के लिए आए तो मैं डर गई। डरना हमें चाहिए, डर ये रही है, कमाल है। इंसान से भूतनी डर जाइए, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं आपको डरा नहीं रही थी, मैं तो बस बुला रही थी। ठीक है सुनो, अभी आगे क्या करना है? उन्हें बिना बताए हम यहाँ रह नहीं सकते, हमें किसी और फ्लैट में जाना पड़ेगा। अरे रे मत जाइए, आपके जाने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी, इधर उधर भटकना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद मेरी हिम्मत बढ़ गई, मेरी मदद करने के लिए आप लोगों को भगवान ने भेजा है। अच्छा एक काम करो, तुम उन दोनों को भी जरा दर्शन दे दो, उसके बाद ही हम लोग तुम्हारे लिए कुछ कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे एक पेन कैमरा रखा हुआ था, लेकिन वो वहाँ नहीं है, वो मिल जाएगा तो विश्वास हो जाएगा। सॉरी मैंने उसे हटा दिया था, बस एक मिनट। गई, यही तो कंफ्यूजन है, बात पूरी होने से पहले ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। हाँ। क्या करें इसके साथ। लो हाँ। वापस आ गई, कैमरा भी लेकर आई है तुम्हारा। देखो देखो अब देखो, मैंने कहा तो यकीन नहीं हो रहा था, अब देखो। क्या देखे? अरे भूतनी को देखो। भूतनी? हाँ। कहाँ है भूतनी? अरे यार वो भूतनी टीवी के पास खड़ी है, तुम्हें दिख नहीं रही क्या? यार ये पागल हो गया, हमें कोई कहानी सुना के डराना चाहता है, मैं नहीं डरने वाला। यार तुम्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सुधीर तू बता ना यार। ओहो तो तुम भी मिलके खेल खेल रहे हो, इनके साथ मिलके मुझे डराने की कोशिश मत करो। हम लोग तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करेंगे, अंधविश्वास पर तो बिल्कुल भी नहीं। चल स्टीफन
तुम लोग बेवकूफ बनाना चाह रहे हो, पर स्टीफन के सामने तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी, समझा रहे? ले। अरे यार, तूने बताया क्यों नहीं उन लोग को? अब मैं क्या बताता? जब उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मेरी कैसे मान जाते? वो लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाले हैं, और अगर वो लोग नहीं माने तो फ्लैट तो बदलना ही पड़ेगा। हाँ? ए, उसकी जरूरत नहीं है यार। सुनो, हम कल तक के लिए बाहर चले जाएंगे, तुम्हारे पास एक दिन का समय होगा, उन्हें डरा के कैसे भी यकीन दिला दो, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ए, वो लोग जैसा बोल रहे हैं उनके हिसाब से यहाँ भूतनी है। अंडा। अबे तू मेरे सवाल का जवाब तो दे। मैं अंडे की बात कर रहा हूँ, मुर्गी का अंडा। नहीं यार, सुधीर भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब वो भी करने लगा है। अरे यार, विनीत ने झूठ बोलकर उसे विश्वास दिला दिया। क्या ए, पकड़ 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 पकड़। 101, 102, तू रुक, मैं ट्राई करता हूँ। अबे जाबे, ये तेरे वश की बात नहीं। ऐसा क्यों बोल रहा है यार? 125, 128, 130 हो गया? पहले ही राउंड में 200 मार चुका हूँ। ट्राई कर, ट्राई कर। ये आपके वश की बात नहीं है भाभी, मैं आपकी कुछ मदद करूँ? नहीं नहीं, मेरे पति अभी आते ही होंगे। भाभी, आपके हस्बैंड आने वाले हैं। See it for a choice, it's either this or that. Don't mess with my friends, I'ma cut your head off. Don't wait for dinner, ask them to eat your brains off. ये कौन है यार? ये तो बाहुबली का कटप्पा लग रहा है। Nothing, Samu. ये लोग तो मेरी मदद करना चाह रहे थे। Oh, is it? That's nice. No problem, guys. मैंने ये लाइन मारा था। और कर। अबे निकल यहाँ से। यही है क्या आपके पति? जी हाँ, यही है। नाम है सैमुअल एंडरसन। मैं शॉर्टकट में प्यार से सैमू कहती हूँ। पर ये तो इंडियन नहीं लगता। नो नो, ही इज फ्रॉम अमेरिका, यहाँ रिसर्च करने आए थे। आप मद्रासी, वो अमेरिकन, फिर शादी कैसे हुई? हमारी लव मैरिज है। हमारी पहचान फेसबुक पर हुई थी, लेकिन हमारे घर में प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले सब कुछ ठीक हो गया है। अब तो घर वाले फिर से हमारी शादी करवा रहे हैं। इट्स डन हनी। कमिंग सैमु, बाद में मिलते हैं, ठीक है ना? बाय भाभी। बाय बाय बाय। बड़ा आया सैमु। क्यों मेरे दोस्त, तुम तो भाभी को पटाना चाहते थे ना, उस सैमु से मिलने के बाद तुम्हारी हवा निकल गई। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही यार। बस कितने बड़े रोमियो, पता चल गया, तुम्ही ने कहा था खाना कहीं भी हो, चाहे कुएं में हो, चूहा पहुँच ही जाता है। अरे यार, वैसे तो तुम दोस्त हो, तुम्हें सलाह दूं, म्यूजिक मत बजाया करो। जबे, वो लोग कहाँ चले गए? मुझे लगता है यहाँ कोई ना कोई तो है। तुम भी शुरू हो गए। अरे यार, छोड़ो वो सब बातों को। अच्छा स्टीफन, रात को पीने के लिए स्टॉक है ना? नहीं तो हम जाकर लेकर आते। करेक्ट, चल चल के हम लोग माल लेके आते हैं। सुना, शराब भी बहुत कमाल की चीज है, पियो तो भी मजा आता है, नहीं पियो तो सजा लगती है। पुडिंग। तू चल यार। चल रहा हूं ना। हैं? अरे यार, मैंने तुमसे कहा था ना टीवी बंद करने के लिए। अबे रात में गोपी भाई ने बताया था कि टीवी तूने खुद बंद किया है। मैंने बंद किया? भूल जाता है। मैंने कब बंद किया? अजीब बात। हेलो स्टीफन, बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना, ओ हो हो मेरी जान। तो तुम यहाँ आराम करो, मैं 5 मिनट में आता हूँ, है फिर पूरी पी जाऊंगा। ला 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 ला, गिलास ये पानी पानी, चखना चखना। ओ ओ ओ, गिलास। चक चक चक, पक चिक पक, राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू। अरे
बोतल कहाँ गई स्टीफन? अबे क्यों चिल्ला? इधर आ। बोतल यहाँ रखा था, कहाँ गई बोतल? तूने खुद ही तो रखा था, खुद भूल जाता है। अबे कहाँ गया पूरा माल? कहाँ गया? अबे अबे तेरी तो मार मत मार मत, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बताता हूँ। देख, मैंने पहले यहाँ माल रखा, फिर किचन में गया, फ्रिज के ऊपर से ग्लास ली, उसे लेकर यहाँ लौटा तो क्या देखता हूँ, बोतल गायब है। अबे कहीं तू ही तो नहीं पी गया? अरे नहीं नहीं नहीं। फिर तो वो बंगाली लेके चला गया होगा। बंगाली? उसकी तो ऐसी की तैसी, छोड़ूंगा नहीं उसे। दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया, उड़ गया क्या बंगाली? अरे हमने बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके माल लाया यार। अरे जल्दी आना यार। अबे यार माल गया। कहाँ चला गया? ओ गया, ओ गया यार। वो साला बंगाली फूल देख के उसकी नीयत डोल गई, लेके भाग गया। एक बार हाथ आ गया ना तो छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे वो बोतल। अरे अरे अबे पूरी पी गया, खाली बोतल छोड़ी है। ये देख भाई, कुछ लिखा है। मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अबे कौन है वो पागल जो फूल पी के इंटरवल वाला डायलॉग लिख के चला गया? साला एक बूंद भी नहीं छोड़ा। जीसस, जिसने भी ये पिया वो पेट दर्द से मरे। भाई सिगरेट देखो, एक भी सिगरेट नहीं छोड़ा। अरे मेरी सिगरेट, ये सब किसने किया भाई? धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? जो भी है ना, वो बहुत ही बेरहम आदमी है। अरे यार, ये अचानक क्या हो गया यार? शायद वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो। वायरिंग में कैसे प्रॉब्लम होगी यार? अरे यार अब तो नींद भी आ रही है यार, यार। चलो सोते हैं। अबे तूने कीबोर्ड बंद नहीं किया था क्या? किया था। कोई भूत आधी रात को कीबोर्ड बजा रहा है। क्या बकवास कर रहा है? एक काम कर, तू जा उसके पास, म्यूजिक सुन। अबे चल मेरे साथ। हाँ? चल 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 चल, मत देना यार। अबे चल। अरे वो लोग सही कह रहे थे यार। हाँ यार, भूत भूतनियों को रात में कीबोर्ड बजाना, गाना गाना पसंद होता है। चल जाके सोते। मैं चेक करके देखता हूँ। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुझे? अब तो ऊपर वाला ही बचा सकता है। या अल्लाह, हे अल्लाह, या खुदा। अबे ये तेरे वाले भगवान नहीं है, ये मेरे वाले। अब ये सब बात करने का क्या फायदा? भगवान तो है ना, प्रार्थना तो सुन सकते हैं ना, और सब भगवान एक ही होते हैं, समझा? तू जाके अपने ऊपर वाले से प्रार्थना कर। या अल्लाह तुम ही हमारी हिफाजत करो। ये अरे लाइट क्यों गई? अबे मोमबत्ती नहीं बुझनी चाहिए, नहीं बुझनी चाहिए। भाई तूने कई बार कहा पर हम लोग नहीं माने, पर अब यकीन हो गया है। इस घर में कुछ ना कुछ है। ऐसा करते हैं हम लोग ना, इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। हैं? ए, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? यहाँ भूत है। अबे भूत है, भूतनी है, भूतनी, बेबी भूतनी। ये है वो भूतनी जिसने कल रात तुम्हारी नींद हराम की थी। ये है भूतनी बेबी। यही तो इस भूतनी की प्रॉब्लम है। ओहो, तो ये मर चुकी है और सब भूल चुकी है। क्या मतलब? अरे अरे यार, वो उस फिल्म में दिखाया था ना, वैसे ही। कौन सी फिल्म थी वो? अनिल सी मैट। हाँ हाँ, वही वही वही। उसमें क्या होता है कि जो मर जाती है ना, वो अपनी पिछली सारी बातें भूल जाती है। अब देखो, कुछ भी करो, कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। क्या करेंगे? हम ये सब नहीं जानते। हमने इसकी मदद करने का वादा किया है। मैंने घर में भी बात कर ली है, माँ किसी पंडित से मिलने गई है। ओके, तुम लोगों का प्लान अच्छा है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ।
मैं इस भूतनी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जीना है। भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हिम्मत रखो। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, तू भी चल मेरे साथ। नहीं, मुसीबत में फंसे इंसान की हिफाजत करना कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसी है। किसी को उसकी तकलीफ में मदद न करना कमजोरी की निशानी है, और तू कमजोर है। क्या बोला तूने? तुझे जाना है तो जा, मैं तेरे साथ नहीं आने वाला। जा, बाय। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। चलो बाय 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 बाय। स्टीफन, भूतों के साथ ये स्टीफन नहीं रह सकता, ये लिफ्ट भी ना। अब तो सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। भाई तुम कहीं जा रहे हो? तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। सैमू घर पे नहीं है क्या? नहीं है, पर सैमू तुम सबको बहुत पसंद करता है। बुआ, ये कौन है? कौन है ये? मेरे भाई की बेटी है, इसका नाम संभावना है। कल यहाँ आई है, अब ये यहीं रहेगी। बहुत अच्छी है। बुआ, फूफा जी का फोन आया है, चलो। उनका फोन आया है, तुमने बताया नहीं। तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। बेटा प्यारे, डरा रहा है? तुझे तो एक दिन साइड में लूंगा बेटे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी वजह से आपका एक दोस्त आपको छोड़ के जा रहा है। जाने दो उसे, दो दिन में वापस आ जाएगा, हमेशा ऐसा ही करता है। सही कहा ना? हाँ, आदत है उसकी। हाँ। देखा। ओ भाई, वापस कैसे आ गए? अब तुम लोगों को इस साल में छोड़ के चला जाऊं, इतना स्वार्थी नहीं हूं मैं। हम साथ में रह के इसकी मदद करेंगे। वो तो भाभी के यहाँ वो लड़की आ गई, वरना मैं तो यहाँ से निकल ही जाता बेटे। दीदी, रोमियो आ रहा है। ये विलेन भी यहाँ के बैठ गया। वेरी गुड मॉर्निंग। एक बात कहूँ, पता नहीं क्यों ये रंगोली ना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। चाहो तो मेरे दोस्तों से पूछ के देख लो। अच्छा? अरे एकदम सच बोल रहा हूँ। और मैं ना सिर्फ रंगोली ही नहीं, रंगोली बनाने वाली को भी पसंद करता हूँ। मेरी दादी मुझसे अच्छी रंगोली बनाती है, उन्हें बता देती हूँ मैं। हाँ तो बताओ बताओ। वैसे तुम ये रंगोली किससे बनाती हो? चावल के आटे से, गेहूं के आटे से, या फिर मक्के के आटे से? चावल के आटे से। मैं तो रात में राउंड राउंड रंगोली बनाता हूँ। तुम कैसे रंगोली बनाते हो ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम चारों? मतलब तुम तीनों? हमारे फ्लैट में एक चूहा है, वो बहुत परेशान कर रहा है, उसे मारना पड़ेगा। अच्छा सुनो, ये है संभावना, और संभावना ये है मेरे दोस्त। लगता है तुम्हारे माथे पे कुछ लग गया है। सच में बहुत कमाल हो यार, तुम किसी को भी अपनी प्रेमिका की तरह मिलवाते हो। कमाल की खूबी यार, क्या कर रहा है यार। मिलता हूँ बच्चे। क्यों इतनी देर तक कहां थे? पिताजी की बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बहुत जिद्दी हो गया है ये। आप इसे कुछ बोलते नहीं हो, मैं घर में कुछ बोलती हूँ तो महाभारत शुरू हो जाती है। बस करो बस करो, तुम भी बात का पतंगड़ मत बनाओ। पिताजी आप हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं, मैं कुछ गलती करती हूँ तो मुझे डांट देते हैं आप। ए तू चुप रहे, मैं बात कर रही हूँ ना। एक रिश्ती, तू पागल हो गया है क्या? चल इधर ला मम्मी।
अरे भैया कर रहे यार, मिलने के लिए तड़प रहा है। हाँ? एक दो दिन में चली जाएगी वो। मत मार यार, हम बैठे ना देखा। कमाल है यार, ये भी कभी नहीं सुधर। रुक जा यार। हे रुको रुको, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। मिस्टर विनीत, ये सब क्या है? आपकी ये हरकतें बिल्कुल सही नहीं है। इस सोसाइटी में केवल शरीफ लोग रहते हैं, यहाँ पर इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ भी नहीं किया। हमें फ्लैट चेक करना है, बहुत दिनों से इस घर से एक लड़की की आवाजें आ रही हैं। ठीक है सर, आ जाइए, चेक कर लीजिए। निकलो अब यहाँ से, चलो। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था, बैचलर्स को फ्लैट नहीं देना चाहिए, चेयरमैन को आने दीजिए। ढूंढ लीजिए, यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ भी कोई नहीं है, कोई लड़की नहीं है यहाँ। क्या कर रहे हैं? चलो वहाँ देखते हैं। उधर देखो, कोई है? यहाँ भी कोई नहीं है। फालतू में लोगों को परेशान किया, मैं चलता हूँ, मेरे घर में शादी का बहुत काम है। चलो यार, अब परेशान तो कर ही लिए, अब निकल भी लो। अब जाओ ना यहाँ से, अपने घर पे ध्यान दो। ए, जाने बोलना इन लोग को। है, मैंने कहा था ना ये पागल है, फालतू में हम सबका टाइम बर्बाद कर दिया। फालतू में टाइम खराब कर दिया। हाँ यार, अरे चलो यार, हमारे घर में भी बहुत काम है। चलो। क्यों भैया, आप नहीं जाओगे? पेंटिंग करवानी है क्या? कॉन्ट्रैक्टर हो आप? नहीं, हमारे यहाँ पेंटिंग हो रही है, थोड़े पैसे दोगे तो यहाँ भी करवा दूंगा। किसी ने शिकायत की थी कि हमारे घर में कोई लड़की रह रही है, तो वही वो लोग देखने के लिए आए थे। वो कैसे हमारे घर में आ सकते? अभी जाकर देखता हूँ मैं उनको। अबे क्या कर रहे हैं अंदर यार, नहीं जाएगी तो रोज रोज घर में घुसेगा। अरे यार, उन लोग का कहना भी तो सही है ना, हमारे यहाँ एक लड़की है तो सही। अरे यार, वो तो भूतनी है ना। है? यार भूतनी है तो क्या हुआ, है तो एक लड़की ही ना। तुम लोग अंदर आओ, अंदर आओ। तुमने तो मेरी बात मानी नहीं। चलो अंदर चलो। बेवकूफ, भूतनियों से दोस्ती करोगे तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। हिफाजत करेंगे। जीसस प्राइज द लॉर्ड। इस आत्मा को शांति दो, मुझे सही राह दिखाओ, मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। प्राइज द लॉर्ड, इस आत्मा को शांति दो प्रभु, इस आत्मा को शांति दो। प्राइज द लॉर्ड प्रभु, इस आत्मा को शांति दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड, इस आत्मा को शांति 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 दो प्रभु, प्रभु। गुरुजी, फादर ये रख लीजिए। हे भगवान, कुछ दिनों तक
बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आपके बेटे के ऊपर एक भूतनी का साया है। उसे भूतनी ने कैसे पकड़ा? कुछ जगह ऐसी होती है जहां उनका असर होता है। सुनिए, जब तक मैं ना कहूं अपनी बेटी को उसके पास भी नहीं जाने देना। आगे सब कुछ मैं देख लूंगा। पर सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना पंडित जी? देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, लेकिन वो आपकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे चर्च में बहुत सारा काम है। फादर, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की हिफाजत जीसस करेंगे, ठीक है? चलिए पंडित जी, चलिए चलते हैं। आइए, मैं चलता हूँ, अब ख्याल रखना। आ जाओ, आ जाओ जी, फादर आ जाओ। बहुत मेहनत करने के बाद उस बच्चे को ठीक कर पाए। किसने ठीक किया? तुमने ठीक किया। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें फादर बनाया किसने? क्या मैं तुम्हें फादर नहीं लग रहा हूँ? एक बात ध्यान से सुनो, हमारे चर्च ने मुझे फादर बनाया है। जो भी मदद मुझसे होती है मैं करता हूँ, लोग मुझ पे विश्वास करते हैं। वाह, थोड़ी सी मेहरबानी चाहिए ऊपर वाले की। तुम्हें चर्च जाने के लिए कहा तो तुम हमारे साथ खेल खेलने आ गए, क्या तुम भूल गए? तुम्हें फिर से याद दिलाऊं क्या 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 हुआ था? बस करो पंडित जी। देखो देखो, मैं वो बातें भूलना चाहता हूँ और तुम मुझे याद मत दिलाओ। तुम जानते हो ना कि मैं कितना परेशान हो जाता हूं। तो भूल जाओ। हाँ मेरी बच्ची, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। हाँ, माँ से मैंने कुछ नहीं कहा, किसी को नहीं बताया, तुम भी नहीं बताना। हाँ ठीक है, चलो मेरे साथ, आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। अरे तुम आधे रास्ते में छोड़ दोगे। जाओ भाई जाओ। अरे जाओ, मैं चला जाऊंगा। जाओ तुम। हाँ। अरे जाओ भाई, मैं चला जाऊंगा, जाओ। अरे तुम मुझे वापस भाई कह रहे हो? साथ आ गए तो ज्यादा रिश्ते मत बनाओ। नहीं तो क्या चाचा कहूं? चलो यार जाओ 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 जाओ। भाई गाड़ी स्टार्ट करो, तुम गाड़ी स्टार्ट करो यार, इसके साथ और रहा तो मैं फादर हूँ भूल जाऊंगा। संभाल के ले जाना भाई। फादर? हाँ? पुलिस से बच कर जाना, आजकल बहुत से फादर को पुलिस पकड़ रही है। तुम अपनी काली जुबान से ऐसी बातें मत करो। हाँ। तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त हमेशा दोस्त के लिए अच्छा ही सोचता है। ठीक है, तुम निकलो। हाँ, बैग उठा के रिक्शा में रखो। हे, देखो जल्द से जल्द उस चर्च से पैसे मांग लेना। हाँ? बाद में जाओगे तो नहीं मिलेंगे। तुम्हें काम पे जाना चाहिए, काम पे ध्यान देना चाहिए। पता नहीं क्यों ये मेरे पीछे पड़ा है। हंस रहे हो? चलो भाई ऑटो में बैठो। हाँ, अरे भाई बहुत काम है, हम बाद में बात करेंगे। हाँ, हाँ, आइए। तुम लोग निकलो। गुरुजी आप नहीं चलेंगे? मुझे किसी से मिलना है। ठीक है, चलो भाई, चल भाई। ठीक है गुरुजी। कौन है यार इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? अरे खोल रहा हूं। अरे कौन हो? अरे अंदर क्यों घुसे आ रहे हो? अरे सुनो, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हेलो, ओ ओ भाई साहब। ओए सुधीर, विनीत, कोई है क्या? आओ ना यार। ये कौन है हमारे घर में? पता नहीं कहां से घुस आया। ओए ये क्या कर रहा है? रुक जाओ, लगता है कोई पंडित जी है। अरे ऐसे पोंगा पंडित बहुत देखे मैंने साहब, पैसा वसूलने का तरीका है, सच बोल रहा हूँ, मानो या ना मानो तुम लोग। वो कहाँ है? क्या है? जो लड़की इस घर में रहती है कहाँ है वो? ये भी उसी टीम के है भाई। तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि हमारे घर में लड़की रहती है? हम बोल रहे ना, यहाँ कोई लड़की नहीं रहती है। तुम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं बना सकते। यहाँ कोई लड़की है ये जानने के बाद ही मैं यहाँ आया हूँ। जो किसी को नजर नहीं आती है वो सिर्फ तुम लोगों को दिखती है। बताओ कहाँ है वो? पंडित जी हमने कहा ना, यहाँ कोई भी नहीं है।
उस औरत ने जो तुम्हें ये दिया था इसकी शक्ति तुम लोग नहीं जानते हो। पंडित जी कौन औरत? ये आपके हाथ में कैसे? तुम लोग मेरी बात सुनो, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, बुलाओ उसे, बुलाओ उसे। मैं बुलाता हूँ। बेबी भूतनी, बेबी भूतनी, हैं? भूतनी कहाँ गई? भूतनी कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ चली गई भूतनी बेबी। अरे वो स्टीफन कहाँ गया? उसे फोन करो। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। लो आ गया। क्या भाई, कहाँ गए थे तुम? भाभी के फ्लैट में। भाभी के फ्लैट में? ये वो ये कौन है, पहली बार देख रहा हूँ। भूतनी के रिश्तेदार हैं क्या? कोई पंडित जी है। ओ अच्छा, ये बात है। पंडित जी को देख के कहीं गायब हो गई। मैं बुलाता हूँ भूतनी बेबी। अरे आ जाओ। माँ, मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ के शांति पाने के लिए जाती है। उसके लिए घर परिवार के लोग उसका क्रियाकर्म करते हैं। सिर्फ शरीर का अंत होता है, परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। और कोई सवाल? लेकिन पंडित जी, मैंने सुना है कि मरने के बाद ये आत्मा भूत बन के इंसानों को सताती है। जैसे इंसानों में अच्छे बुरे होते हैं, वैसे ही आत्मा भी अच्छी या बुरी होती है। पर यह अच्छी आत्मा है, जीते जी इसने किसी का बुरा नहीं किया, इसीलिए मरने के बाद भी यह लड़की किसी का बुरा नहीं करेगी। इसकी मौत कैसे हुई? कहाँ की रहने वाली है? नाम क्या है? कौन है? ये कुछ भी नहीं पता। ये सब कैसे पता करेंगे हम? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। मैंने इधर उधर भटकने वाली आत्मा को देखा है और उसे रहने की जगह भी दी है। इसकी आत्मा को शांति मिले चाहता हूं, पर इसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी ये मैं समझ नहीं पा रहा। तो पंडित जी, मैं क्या हमेशा ऐसे ही भटकती रहूंगी, आप ऐसा कहना चाहते हैं? देखो बेटी, हम लोगों को ऊपर वाले ने मिलाया है, अब ऊपर वाला ही हमें रास्ता भी दिखाएगा। बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। समझ में नहीं आ रहा पंडित जी। तुम लोग हटो। हाँ। अब माता, इसे क्या हो गया पंडित जी? हम इसकी मदद करना चाहते हैं, हमने वादा किया था, पर लगता है कर नहीं पाएंगे। पंडित जी आप चुप क्यों हैं? आप जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर भी इसे बहुत तड़पा तड़पा के मारा गया है, और जब इसकी मौत हुई थी उससे पहले यह बेहोश हो गई थी, इसीलिए इसे पुरानी बातें याद नहीं। लेकिन इसको किसने और क्यों मारा, यही तो मैं नहीं समझ पा रहा। लेकिन यह बात पक्की है, इसकी लाश का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, यहां तक कि इसे अग्नि भी नहीं दी गई। अगर इसका शरीर मिल जाए और उसका दाह संस्कार हो जाए तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी।
इसका मतलब भूतनी बेबी का कुछ नहीं हो सकता? ऐसा नहीं कह सकते, एक उपाय है, हमें मिलकर एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। नहीं तो ये बदला लेगी, जिसने इसे मारा है उसे ये मार डालेगी। हाय डीकू। क्यों मेरी बेइज्जती कर रही हो यार? फिर किसकी बेइज्जती करूं? मैं ही मिला तुझे। कहां हो गाइस? आ गई सबके पैसे लूटने वाली। हाय मेरी जान, तुम कब आई? बाबा इतने दिन हो गए तुम्हें इस शहर में आए, पर मुझसे मिलने नहीं आ पाए। अरे यार आते ही शिकायत करना शुरू कर दिया। तुम बैठो, सब कुछ बताता हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। जब तुम ऐसे लोगों से दोस्ती करोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही ना, या किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए? सुनो, वो प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात सुनो। तुम्हें एक लड़की से मिलाना है। हाँ, कौन है वो लड़की? अरे वो सब छोड़ो, तुम भूतों पे विश्वास करती हो? करती हूँ, तो क्या हुआ? फिर तो ठीक है, कहीं वो भूतनी ही से ना डर जाए। देखो जो भी है साफ साफ कहो। अरे भाई तुम पहले थोड़ा रिलैक्स तो हो जाओ। ठीक है, हो गए ना। विनीत, तुम्हें इसकी तस्वीर बनानी है। किसके? ध्यान से देखो बेबी, नहीं तो वो तुम्हें नहीं दिखेगी। सच बोलूं तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। शांत हो जा यार, एक तो बेचारी डर के मारे बेहोश हो गई है। मैं शांत हो जाऊंगा तो क्या होश में आ जाएगी? सौम्या, सौम्या, क्या हो गया? क्या हुआ? अरे ए भगवान, अब इसके बाद अगर ये फिर से बेहोश हो जाए तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। सौम्या, खबरदार फिर बेहोश हुई तो। वो भूत, भूतनी, विनीत वो भूतनी। ये बात हम जानते हैं, तू हमें क्यों बता रही है? ये ले। सौम्या तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। ये बहुत प्यारी भूतनी है, इसे हम लोगों की मदद की बहुत जरूरत है, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो सारी बातें बाद में करेंगे, लेकिन पहले तुम इसकी एक अच्छी सी तस्वीर बनाओ, वो बिल्कुल ओरिजिनल लगनी चाहिए। इस फोटो को हम हर जगह भेज देंगे और साथ में लिख देंगे कि जो भी इसे पहचानेगा उसे 1,00,000 का इनाम दिया जाएगा, और नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे, है ना? तुम्हें क्या लगता है यार, 1,00,000 के लिए लोग इतनी मेहनत करेंगे? अरे इनाम की रकम 5,00,000 करो। 5,00,000 रुपए क्यों? हाँ अरे लिख देते हैं ना, देना किसको है। ठीक है 5,00,000 रुपए देंगे, छपा दो। और भी देंगे ये भी लिख दो। और भी देंगे लिख दो, देना किसको है। एड्रेस बताने से पहले नाम भी तो बताना पड़ेगा। भूतनी बेबी को एक प्यारा सा नाम मैं दूंगा, नजमा, मेरी दादी का नाम है, कैसा है बोलो ना। ये मैं एक अच्छा नाम देता हूँ, एलिजाबेथ, कैसा नाम है? नहीं यार ये नाम मेरे को बिल्कुल नहीं जमा। क्रिस्टी रखते हैं? नहीं यार ये सब नहीं चलेगा। भैया आप लोग और धर्म संकट बिल्कुल मत खड़ा कीजिए, इसको समझाओ ना। इसका नाम हम लोग भवानी रख लेते हैं या फिर पार्वती रख लेते हैं। ऐसे कोई नाम नहीं देंगे, वरना इसे पहचानने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल हम बिना नाम के ऐड कर देते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मैं इसे अपने सोशल मीडिया पर डालती हूँ, मेरे 2,000 फ्रेंड और 10,000 फॉलोवर्स है, बहुत लोग जान जाएंगे। ये बात है तो मेरे भी 5,000 फ्रेंड्स हैं और 5,000 फॉलोवर्स हैं। तुम्हारा अकाउंट था ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। वो फेक आईडिया यार। किस नाम से? ऐश्वर्या के नाम से, तुम्हें तो पता ही होगा, रोज रात को मैसेज करके पूछते हो मेरी जान अभी तक सोई है नहीं। पागल कहीं के, तूने मेरी नींद खराब कर दी, रात रात जाग के मैं मैसेज करता रहा, वो भी तुझे। आया ना मजा मेरी जान, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा, रुक 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 जा। क्या भाभी इतनी सुंदर हो कि आपने कैसे आदमी से शादी कर ली, रंग तो देखना चाहिए था ना। खाली रंग से क्या होता है देवर जी, उसका दिल तो बहुत बड़ा है। दिल मतलब मन। ओ मैंने तो कुछ और ही सोचा, वैसे वो करते क्या है? ये सिर्फ वही जानते हैं, हमेशा कमरा बंद करके कुछ करते रहते हैं। तो भी भाई घर पे है क्या? नहीं इस वक्त तो मार्केट गए हैं। अच्छा और संभावना कहाँ गई है? वो क्लास गई है। क्लास में? अच्छा अच्छा,
ए, इसे लेके कहाँ जा रहे हो? आपने ये कहाँ ले जा रहे हैं? किसके लिए कहा भाई? वो आप नहीं समझेंगे, ये थोड़ी हाई लेवल की बात है, मैं अभी आता हूँ। ए, कहाँ लेके जा रहे हो इसे? हाँ, ये शूटिंग देखना चाहती है। अच्छा, इसे शूटिंग में लेके मत जाओ, उसमें बहुत बड़ा रिस्क है, रिस्क। सुनिए स्टीफन भाई, आपकी वो वाली बातें नहीं बताऊं क्या? अरे रे, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों ले रही हो? अरे हम तुम्हें फिल्म की शूटिंग दिखाएंगे ना, चलो 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 चलो। क्या बात है स्टीफन, क्या बात है? अरे बताना बताना, क्या बात है? ओए बता, बताना यार इसकी तो। हां बताना, बताना ऐसी कोई बात नहीं है यार, मैं गाड़ी में आगे बैठूंगी। ओहो, कोई बात हो तो बताओ। आगे हमेशा मैं ही बैठता हूं, पीछे बैठूंगी तो मुझे उल्टी होगी। ये लड़की क्या बोल रही है यार, भूतनी को कभी उल्टी होती है क्या? देखो तुम बहुत उड़ रही हो आजकल। अभी आगे बैठना चाहती है तो बैठने देना भाई। अच्छा ऐसा चाहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है यार? अरे यार आजकल ये भी इसकी तरफ ताली करने लगा है। पता नहीं तो उससे क्यों लड़ रहा है? हैं, मेरे से पहले तुम आगे आके बैठ गई, चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। मुझे उल्टी हो जाएगी भाई, वो क्या है ना, मैं गाड़ी में पहली बार बैठ रही हूँ। ये सब बहाने और इमोशनली बात करने से मैं नहीं पिघलने वाला है? मैं थोड़ा तीसरे टाइप का हूँ, मेरे से पहले बैठ के झूठ बोलती है। चल चल चल, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतरती है कि नहीं? मैं उतारता हूँ तुझे, उतर। अरे उतरेगी कि नहीं? उतर उतर, नीचे नीचे उतर, देख मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे यार अली, अबे तू क्यों गुस्सा हो रहा है यार, शांत हो जा, शांत हो जा। अरे पहले इसे नीचे उतारो यार, नीचे उतर। अरे इसे अंदर नीचे उतर, जब गाड़ी में बैठ जाना यार, बैठना। ठीक है बताता हूँ तुझे, बैठो बैठो पीछे बैठो। आगे बैठने वाली, चलो भाई। सर यहाँ मेरे पहचान का एक डॉक्टर है पास में, वहाँ ले चलो क्या? अगर ऐसा है तो पहले वहीं जाना पड़ेगा। अरे आप गाड़ी चलाइए ना। ए विनीत, इसको समझा दे, देख के आगे बैठ गई और हंस रही है। आप सबसे क्यों फालतू में लड़ रहे हो? अगर आगे बैठना है तो बैठ जाओ। अरे आगे सीट में भूत नहीं बैठी है, मैं कैसे बैठ जाऊँ? चुप हो जा। अरे क्या कर रहा है? ओ लगता है पूरा का पूरा पागल है। मुझे पागल बोलता है? तू पागल, तेरा बाप चला रहा हो ना? इसको चुप कराओ ना। आप गाड़ी चलो, आप गाड़ी चलो, आप चलो। अली भाई प्लीज माफ कर दो ना, तू पहले से बैठ गई, तेरे सर पे बैठूं क्या? अली भाई रुको तो, मैंने कितनी बार सॉरी बोला। तुम मुझसे कुछ मत बोलो, एक कम्युनिस्ट होकर भी मैंने तुम पर विश्वास किया, मैं अपनी पार्टी के खिलाफ चला गया। इसके बाद से आप ही आगे बैठना। ओ मुझे तुम्हारे रहम और भीख की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कहाँ बैठना है, भूतनी चुड़ैल काई की, तुम्हें कोई ऐसे नहीं मारा होगा। कोमल ने उसे धोखा दे दिया, सुधीर को उसकी वजह से कूली का काम करना पड़ रहा है। हम ये सीन पहले करेंगे। तो गीता? गीता और कोमल मिलकर सुधीर को परेशान कर रहे हैं। अरे यार क्या कह रहे हो, ऐसा रियल लाइफ में कहाँ होता है? किसने कहा ऐसा नहीं हो सकता? अरे मेरी माँ के साथ खुद ही ऐसा हुआ था, मेरे बाप के कारण उसे जायदाद से फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। नमस्ते। ठीक है यार, जो करना है करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, और सब ठीक है ना? हाय। नमस्ते। सीन मैंने समझा दिया है। तू तेरा नाटक ये मेरे साथ नहीं चलेगा, मैंने बोल दिया ना। नहीं नहीं, मुझे सच में उल्टी। अली किससे बात कर रहा है? नहीं चाहिए। क्या हो गया उसे? ऐसा क्यों कर रहा है वो? वो जब से गाड़ी में बैठा है तभी से वैसी हरकत कर रहा है, ड्राइवर ने मुझे बताया सर। आप छोड़िए ना। कुछ नहीं सर, पिछले साल एक लड़की मिली तो अली को उससे प्यार हो गया, उसकी मंगनी होने वाली थी लेकिन उसकी मौत हो गई, उसी सदमे की वजह से वो ऐसी हरकतें करता है सर। वरना पहले तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, है ना एसटी? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, जब से वो है तब से इसका खसक गया है। लाइटिंग तो बहुत अच्छी है। स्पार्क क्या मतलब? नया प्लॉट मिल गया, कुछ ज्यादा ही नाटक। तो अब हम इस पर फिल्म बनाएंगे। कोई चारा नहीं, सुनते रहो। अश्वनी जाके अरे डायरेक्टर साहब पहले ये फिल्म पूरी कर ले, नहीं तो मैं ही मार डालता तुझे। अली भाई तू कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है, सेट पे नाटक कर रहा है। भूतनी में भी ये तो पागल है, और तुम भी इससे फालतू बहस कर रही हो, इसकी बातों को छोड़ो ना यार। तुम जाके कहीं घूमाओ ना, नहीं तो लोग पागल समझ के इसे बांध देंगे। तू चल यार, अच्छे से समझा। तू चल ना। मैंने क्या किया था, मुझे क्यों डांट रहे थे? हाय हनी, हाउ आर यू? आई एम दिनेश। यहाँ क्यों आई हो? अच्छा शूटिंग देखने आई हो? कौन हो तुम? तुमने मुझे कैसे देख लिया? ओह व्हाट ए कॉमेडी, यू आर सो फनी नॉटी गर्ल। हाँ बेबी, तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं भी तुम्हारी तरह भूत हूँ। ये क्या मुसीबत है? तुम्हें याद है बारिश के वक्त तुम घंटों इंतजार करती थी? अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपने साथियों को ढूंढ लिया है। पर मैं ये बात तुमसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम भी तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं तुमसे कहता था ना कि तुम्हारे प्यार में मैं मर जाऊं तो भी गम नहीं, पर मैं तो पहले मर चुका हूँ। छोड़ो इन बातों से क्या फर्क पड़ता है, जाने दो। बाय द वे बेबी बेबी बेबी, इप,
कट कट कट। ये क्या है अश्विनी? ऐसे नहीं, ये क्रिकेट बैट नहीं है, ये फावड़ा है, फावड़ा। देखो मैं दिखाता हूं, ऐसे। मैं तो थक गया हूं। अरे बाप रे, पूरे शरीर में दर्द होने लगा। चलो ठीक करते हैं, इस बार गलती मत करना। अरे तुम यहाँ कोने में क्यों खड़ी हो? चलो वहां पे चलो। यहाँ दिनेश आ गया था इसलिए। दिनेश? कौन दिनेश? वो एक प्रेत आत्मा है, इसलिए मैं यहाँ छुप के खड़ी हूँ। जब से वो मुझसे मिला है बेचैन हूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है। कहाँ? वहाँ। चल। अरे ठीक से खेलो। कैसे खेल रहे हो? अरे मैं बैटिंग करता ना तो अब तक 5-6 सिक्स मारा आता है। हाँ, और नहीं तो क्या, इस ग्राउंड में मैंने बहुत सिक्स मारे हैं, रिकॉर्ड तोड़ बैठे। कहाँ मिलेगा बताना भाई, कहाँ मिलेगा? अरे मैं तो बहुत अच्छा खेलता हूँ। पैसों की चिंता मत कर, तुझे जो भी बोलना है वो बोल। मेरे जैसी बैटिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। क्या बोला? क्या फालतू की बकवास कर रहा है यार तू? सुन, तू होगा कहीं का भी गुंडा, मैं किसी गुंडे से नहीं डरता। ए पागल बेवकूफ लुखे लफंगे, तू कौन है? सामने आ, बताता हूँ तुझे। चल फोन में घुस के मारूंगा। कौन है वे तू? कौन था यार ये? ये जो है ना, हाँ, इसकी फोटो व्हाट्सएप पे डाली थी, उसे देख के फोन किया। अरे मैं तो उसे और भी बकने वाला था। अरे कोई भी कुछ भी फोन करके कह देगा क्या? मजाक बना रखा है इन लोगों ने हमारा। अरे तेरे से कोई भी मजाक कर सकता है। तेरी तो। ए कौन है, चल के देखते हैं ना यार, उसमें क्या है। हाँ सौम्या बोलो। हाँ एक मिनट देता हूँ, होल्ड करो। ए सौम्या तू अपना फोन क्यों उठाता है यार? मेरे लिए फोन है? हेलो। मैं कब से फोन कर रही हूँ तुम लोगों को? बात क्या है बोलो तो। बस भूतनी के बारे में बात करनी थी। अरे कुछ तो बताओ। मुझे बस स्टॉप पर बिल्कुल उसी की तरह एक लड़की दिखी। वो कौन है, कुछ पता चला? उसने जो ड्रेस पहनी थी बिल्कुल वैसी ही, सेम मटेरियल सेम कलर। हाँ, एक जैसे तो बहुत से ड्रेस होते हैं यार। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम पहनी हुई दो लड़कियों को मैंने एक साथ देखा। तुमने उसे कब देखा? क्लास खत्म होने के बाद लौटते वक्त। ठीक है, सौम्या ने बिल्कुल ऐसी ड्रेस वाली दो लड़कियां देखी हैं। मुझे तो लग रहा है किसी कॉलेज की ड्रेस होगी। ए दुनिया के किसी कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं होता है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसकी आधी जिंदगी तो कॉलेज के चक्कर काटने में बीती है। भूतनी बेबी कुछ याद आ रहा है क्या तुम्हें? नहीं, मैंने एक सीरियल देखा था, उसी का सीन याद आ गया। क्या याद आया? याद आया था पर भूल गए। अगर हम सौम्या की बताई हुई जगह पर जाकर देखें तो हो सकता है कि कुछ पता चल जाए हमें। क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? लगता है मुझे कोई बुला रहा है। चलो देख लेंगे बाद में। चलो भाई अपनी पारी दो, लो।
This is not your home. Leave. And you, what are you still doing here? Leave. Go with her. Leave now. You don't belong here either. Leave. What? Leave now. सर आप ये भी जानते हैं ये हमें नहीं पता था। Hey, don't call me sir, just call me Sam. हिंदी? थोड़ा थोड़ा। Sam, आप भी तंत्र मंत्र जानते हो क्या? Well, I'm doing research on paranormal activity in India. भाभी से मैंने इनके बारे में पूछा था, उन्होंने बोला वो कुछ नहीं जानती। Well, they don't know what I'm doing here. Normal people don't believe in these things, so you guys don't tell them. ठीक है, जब मैंने पहले इन्हें बताया तो इन्हें विश्वास नहीं आया, जब अपनी आंखों से देख लिया तब इन्होंने विश्वास माना। लेकिन सैम को कैसे पता चला कि भूतनी बेबी प्रॉब्लम है? मालूम पड़ जाता है। ओके ओके, कम विद मी, लेट मी शो यू समथिंग। ओके गाइस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई एम अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऑल अबाउट घोस्ट हंटिंग, व्हेयरबाय वी विजिट एंड इन्वेस्टिगेट प्लेसेस दैट आर रिपोर्टेड टू बी द हॉन्टेड बाय घोस्ट्स। टू बी एबल टू इन्वेस्टिगेट दिस deadly invisible sources, we need some electronic devices. See, this here is an electromagnetic field meter. It detects electromagnetic fields of carried by ghosts. This is an infrasound monitoring device. We use it to assess the level of sound vibration. Ali, mat chhu yaar usko. So remember guys, ghosts are dead living souls that can speak but cannot be hurt. Ali, use mat chhu yaar. Dekh, light jalne lagi. See guys, the machine beeps now when she got into the room because she is here, the spirit is here. Oh, ye baat hai. But you must understand, this machine is supposed to beep even when the spirit is at a far distance. Oh. But it only beeps now when she is close because she is a good spirit. This is the reason why my holy cross to chase the spirit, they didn't work on her. शायद ये हिंदू प्रेत है इसलिए ये ना डरी हो। हिंदू प्रेत? No, spirits don't have religions. ये बात है। This holy cross will destroy any evil spirit. Okay. बाबा स्वामी ने भी यही बात कही थी। Who is बाबा स्वामी? बैठिए। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था किसी बुरी आत्मा की नजर इस पर पड़ी है और इसकी शुरुआत कल से हुई है। अगर सही टाइम पर सैम नहीं आए होते तो वो इसे ले गई होती। क्यों? टू मेक देयर ओन आर्मी, आर्मी ऑफ डेविल्स। भूतों में सैनिक भी होते हैं? दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ऐसे हजारों एविडेंस हमारे अगल बगल में चल रहे होते हैं जो साधारण इंसानों को नजर नहीं आते हैं, और उनमें से एक है हमारे सामने खड़ी आत्मा। I travel to a lot of countries to research and I have seen a lots of spirits, but this is a different experience. बुरी आत्माओं की नजर इस पर पड़ चुकी है, इसीलिए आगे भी इसके साथ ऐसी घटना घट सकती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। सुनो, सौम्या का फोन था, उसने उन लड़कियों का पता लगा लिया है, हमें अभी चलना चाहिए। चलो। हाँ, हम चलते हैं, आज्ञा है ना पंडित जी। हाँ। संभल कर जाना तुम। एक्सक्यूज मी, हाँ, क्या आपने इस फोटो वाली लड़की को कहीं देखा है? ये तो इस लड़की ने बिल्कुल वैसे ड्रेस पहने जैसे आपने पहने। ये हम जहाँ काम करते हैं वहाँ की यूनिफॉर्म है, हमें यहाँ काम करते हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लगता है ये भी यही काम करती होगी। चलो यार, तू भी ना, तो चुप नहीं रह सकती क्या? चल अब, हम ऐसे कैसे चुप रह सकते हैं? हाँ चल। नट्स फैक्ट्री में काम करती हैं लड़कियाँ। यस। लड़की पटानी पड़ेगी, फॉलो मी। अरे, वो उस लड़की के बारे में पूछ रहे थे, वो लड़की कहाँ गई होगी? कहीं भी जाने दे, हमें क्या करना है? तुम्हें दो तीन बातें बताता हूँ, उसे अच्छी तरह से समझ लो। रूल नंबर वन, देखो ये लड़कियों की शॉप है, तुम दूर से उनकी सुंदरता देख सकते हो, लेकिन किसी के साथ बदतमीजी मत करना, उनके साथ डिसेंट बिहेव करना। ओके। और रूल नंबर टू, तुझे ज्यादा बोलना नहीं है। क्या चाहिए सर? वो नाइस कलेक्शंस, वाइफ इज कमिंग। सुनना,
वो फोटो वाली बात सर को बताएं क्या? अरे उस बैल को पता चलेगा तो मार डालेगा, फिलहाल ये बात छुपा लेते हैं। पर वो लोग कौन हो सकते हैं? सीबीआई वाले हो सकते हैं। क्या मस्त मिलिट्री कलर है। कम यार, आई एम वेटिंग वेटिंग यार। रुको भैया। कितना हुआ? 140 रुपया। हाँ मैं दे रहा हूँ जी। ये ले रख ले, 10 रुपया एक्स्ट्रा रख ले। ऐश कर यार, क्या नाम लेगा? देखो वो शॉप में मिल गई है, वो लड़की जो है ना अंदर ही है। तुम लोग अंदर मत जाना, पहचाने जा सकते हो। मैं, स्टीफन और लक्ष्य अंदर जाएंगे। आ जाओ। तुम लोग यहीं खड़े रहो, ये दिमाग वालों का काम है। अरे मैं आ रहा हूँ। जाने दो, हम लोग यहीं पे इंतजार करते हैं। ठीक है ना? हाँ ठीक है। स्टीफ, मुझे याद आ गया, मैं यहाँ काम करती थी। वो मीरा है, हम दोनों ने एक साथ ही काम शुरू किया था। लेकिन वो तो कह रही है कि वो तुम्हें नहीं जानती। शायद वो इस झंझट से दूर रहना चाहती हो। तुम यहाँ हो? मैंने तुमसे कहा था ना, जब कस्टमर आ रहे हो तो यहाँ खड़े नहीं रहना। पर बाकी सब लोग कहाँ हैं? काम चोर। तुम इसे जानती हो? ये सुशील सर है, यहाँ के मैनेजर। इस आदमी की वाइफ का शॉप है ये। अरे तुम्हें तो सब याद आ गया, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुझे सुशील सर बुला रहे हैं, लगता है कोई प्रॉब्लम है, बहुत गुस्से में है, जा जल्दी मिल ले। हाँ बस आ ही रही हूँ। तो यहाँ बैठी है। तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम आई क्यों नहीं? हाँ महरी हो, ऐसे काम करोगी? तुम्हें यहाँ काम करना है तो मेरे कमीशन के बारे में तो पता ही होगा तुम्हें। एसी में बैठकर तीनों टाइम खाना मिल रहा है तो चर्बी आ गई है क्या? मेरे घर की हालत ठीक नहीं है इसलिए यहाँ काम पर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पैसों के लिए ईमान बेच देंगे। ओहो, मेरी सती सावित्री, तुम क्या चीज हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और ये जानने के बाद ही मैं तुमसे ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ। तुम केस करो, कोर्ट जाओ, जहाँ जाना चले जाना, पर फिलहाल तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक तुम मेरा एडवांस वापस नहीं कर देती। पूरे 3 महीने की तनख्वाह एडवांस दी है तुम्हें, उसे लौटाओ और उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ, और जब तक तुम वो पैसे नहीं चुका देती तब तक तुम्हें मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आप लोगों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है वो नहीं है। मुझे भी यही लग रहा है। Do you remember anything after that? नहीं, कितना भी सोचती हूँ पर याद नहीं आता। तुमने वापस उससे बात नहीं की थी क्या? वो यहाँ की बहुत पुरानी स्टाफ थी, पर 1.5 साल पहले वो यहाँ से अचानक कहीं चली गई थी। अभी शायद वो मदुरई या कोयम्बतूर में रह रही है। पर उसके बारे में आप अभी क्यों पूछ रहे हैं? आपके साथ भी कोई फ्रॉड किया है क्या उसने? फ्रॉड? ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे साहब, एक नंबर की चालू चीज है वो लड़की। मैंने तो उसे रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए वो यहाँ से भाग गई। फिर हो सकता है वो मुंबई चली गई होगी। अब तो वो मुंबई में बड़ी स्टार भी बन गई होगी। बड़ी चालू चीज थी वो। आप लोग चाय कॉफी लेंगे? नहीं, हम पी के हैं। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। लक्ष्मी को उसी ने गायब किया है, तो तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। तुम इसके लिए तैयार हो? अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है कहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन आपने कहा था कि इसके शरीर को अगर हम ढूंढकर इसका क्रियाकर्म कर देंगे तो इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। देखो मुझे अच्छी तरह याद है मैंने क्या कहा था, पर वो दूसरा रास्ता है। ठीक है, हम वो रास्ता निकालेंगे। हाँ चलो, अभी हमें भूतनी बेबी का नाम तो पता चल गया, लक्ष्मी लक्ष्यो। चलो अब हमें इसे भूतनी कह के नहीं बुलाना पड़ेगा। सही है। ये कैसा नाम है लक्ष्मी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे कोई नाम ढंग का होना चाहिए, लच्छू अच्छू छी, क्या नाम है? ओ
हमें सब कुछ यही बताए, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। वो कैसे? हमें इसके लिए खेल खेलना पड़ेगा। कैसा खेल? हमने सुना है कि वो बहुत रंगीन मिजाज है। बिल्कुल तेरी तरह। अबे मैं वैसा नहीं हूँ। जैसे शेर के शिकार के लिए बकरी बांधते ना, उसी तरह इसे भी फंसाना पड़ेगा। वो पढ़ा लिखा चोर है भाई, हम उसे इतनी आसानी से नहीं फंसा सकते। हम भी देखते हैं वो कितना बड़ा चोर है, हमसे बड़ा तो नहीं होगा। हाँ। सुधीर पता चल गया। डिटेल्स तो मिल गई हैं। शुरू में तो कुछ बताने को तैयार नहीं थी, फिर जब मैंने उसे डराया तो उसने सब कुछ उगल दिया। लच्छू तुम्हें मरे 1.5 साल हो गए हैं। जब तुम गायब हो गई थी तो तुम्हारे भाई ने पुलिस में कंप्लेन की थी। तुम्हें उस मैनेजर ने बहुत तंग किया ना, वो लड़की मुझे बता रही थी। ये तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है। अगर लक्षू की मौत का कारण वो है तो लाश कहाँ है वो जानता होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, लक्षू के गायब होने का केस भी अभी तक पेंडिंग है, ये भी हमने पता कर लिया। स्टीफन की बात सही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें मैनेजर से बुलवाना पड़ेगा। हमारा पहला प्लान ये सही है। नहीं ऐसा मत करना, अगर सौम्या को कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ मेरे ये मोटे मोटे भाई जो हैं। फिर भी कुछ नहीं होगा, जैसा हमने प्लान किया उसे वैसे ही उठाएंगे, ठीक है? I am walking. तुम लोग यहाँ बैठे बैठे गप मार रहे हो और वो बेचारी माँ खतरे में है। ये तेरी माँ है क्या? चुप है। Hi, I am कुंज दादी। बाबा स्वामी जी ने भेजा है लच्छू का ख्याल रखने के लिए। समझ गया। तुम हो लच्छू? ये उससे बड़ी वाली है। लच्छू दादी को देखते ही गायब हो गई। मुझे देख के छुपने का कोई फायदा नहीं, मैंने देख लिया है। चलो अब आ जाओ बाहर, यहाँ। तू अभी कंजू दादी को नहीं जानती, बहुत भूतों से मिली हूँ मैं। अब सोचा चल के इस भूतनी से भी मिल लिया जाए। अरे नाराज हो गई क्या? कंजू दादी से बिल्कुल डर मत, बाबा स्वामी ने सही कहा था, बहुत सीधी है ये भूतनी। ए, अब से ये कंजू दादी इसी के साथ रहेगी। कौन है बताओ बेबी, कौन है बताओ ना। टन टन। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा यही सोची थी ना। तुम जानती हो तुमसे मिलने के बाद एक मिनट भी चैन से नहीं रह पाया मैं। तुम्हारी जुदाई का दर्द मेरे मरने के दर्द से ज्यादा तकलीफ दे रहा है, जानती हो तुम? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया मैं। चलो अब हम प्यार की बातें करते हैं, आओ हम दोनों साथ साथ मन की बातें करेंगे। शर्माती क्यों हो बेबी? बेबी आओ ना, चल हट। आओ ना बेबी। ए दिनेश तू यहाँ भी आ गया? अरे दादी तुम यहाँ भी आ गई, जानती हो। इसे कैसे नहीं जानूंगी, इस जैसा बेशर्म लुक्का मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। जब जिंदा था तब भी लड़कियों के पीछे भागता था। तुम जानती हो ये कैसे भरा? मैं बताती हूँ। ये पेड़ पे चढ़कर तालाब में नहाती लड़कियों को ताड़ता था, उसी पेड़ से फिसल कर नीचे गिरा और मर गया। ये झूठ है बेबी, मेरी मौत तो कुएं की दीवार अचानक टूट गई, फिर मैं गिर गया, तब हुई। चल निकल यहाँ से। मैं पेड़ से गिर के मरा था। 3 दिन तक ये बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा था, उन लड़कियों की हाय लगी तभी ऊपर वाले ने इसकी टिकट काट दी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू सुधरा नहीं कालिया। लुक ओल्ड लेडी, तुम लड़कियों के सामने मेरी बेइज्जती मत किया करो। लेडी समझ के छोड़ देता हूँ वरना बताता तुमको। मैं भी तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि ये मजनूगिरी बंद कर, नहीं तो पंडित जी को बुला के क्या कर लेगी? बोतल में बंद करवा दूंगी। अरे बाप रे, उस पंडित के बच्चे को मत बुलाना। अभी तक मैंने किसी के साथ सुहागरात भी नहीं मनाई, मैं इसे कभी तंग नहीं करूंगा, माफ कर दो। ठीक है तो मैं चलता हूँ, वैसे तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। बेचारा तू तो इतनी पढ़ी लिखी है, फिर क्यों इतना डरती है? हमारी कोई बेइज्जती करे ना तो उसे मार मार के हाथ पांव तोड़ देने चाहिए। मेरी तरह हिम्मत से काम ले। मुझे तो शुरू से सबसे डर लगता है। इसीलिए तो तेरा ये हाल हो गया है, तुम्हें उसे मारना ही होगा, सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं बल्कि उससे तुझ जैसी मासूम लड़कियों को बचाने के लिए। मुझे लगा कि तुम मुझसे डर गई हो। डर गई? और मैं अब तो बहुत हैंडसम है। अरे मेरी जान, तुम्हें अकेले आने में डर तो नहीं लगा? डरती तो क्या अकेली आती? तो फिर बहुत मार दिया, सवाल तो पूछ। कौन हो तुम लोग? तुम्हें क्या चाहिए?
ए, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। hey, बताएगा या और मार खाएगा? बोल जल्दी। मार साले को। इतनी मार खाने के बाद भी हमें पहचान नहीं रहा है। और मारो। तुम लोग सीबीआई से हो क्या? Yes, we are from CBI. Central Bureau of Investigation. तुम लोग सीबीआई से हो तो ये कौन है? He is from FBI. ये क्या अमेरिकन पुलिस को भी बुला लिया? अरे मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, उस लड़की का पता लगाने में बहुत बार पुलिस स्टेशन गया था। दिन रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहा मैं, पर उस पागल लड़की का कहीं पता नहीं चला। अरे बाप रे, सॉरी, वो बहुत अच्छी लड़की थी, पर कोई लफंगा उसे भगा कर ले गया। अब झूठ मत बोल, हम सब जानते हैं तूने उसे मारा है। बता क्यों मारा तूने उसे, बोल। नहीं। और उसे मारने के बाद उसकी लाश तूने कहीं छुपा दी ना? पर तूने उसे शॉप से भी निकाल दिया था ना? तूने मार मार के उसे पहले बेहोश किया, उसके बाद जान से मार दिया। हमें पागल समझाए क्या? सीबीआई से है हम सब जानते हैं। ये सब तुम लोगों से किसने कहा? उसी ने है? और इसीलिए हम लोग यहाँ हैं और तुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं, समझा? चुपचाप सच्चाई उगल दे। So tell the truth. बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। प्लीज पहले मुझे छोड़ दो। मेरे मारने से वो बेहोश हो गई थी। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। तभी पता नहीं कहाँ से भूतनी आ टपकी। कौन आ गई? मेरी पत्नी। ओह नाइस। फिर मैंने तुरंत लक्ष्मी को कमरे में बंद कर दिया। उसे बंद करके चाबी सिक्योरिटी को दे दी। उसके बाद मैं चला गया। रात 10:30 बजे उसे होश आया। उसके होश में आने के बाद सिक्योरिटी ने ताला खोल दिया और वो चली गई। वो सिक्योरिटी वाला आप कहाँ है? सिक्योरिटी सीधे सीधे बता। सिक्योरिटी थोड़े दिन पहले ही हार्ट अटैक से मर गया। झूठ बोला तो ये। सुनो, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये कौन है जो सब पर नजर रख रही है? तेरी बहन है। चुप हो जा। अभी तुझे छोड़ रहे हैं, दोबारा गलती की ना तो जान से मार देंगे। समझ गया? अभी चलते हैं हम। चलो। अब तो वो रास्ता भी बंद हो गया। ऐसा नहीं कह सकते, हमें लच्छू का नाम और उसकी डिटेल्स तो मिल गई। लच्छू की अगर कुंडली मिल जाए तो क्रियाकर्म कर सकते हैं, फिर इसकी आत्मा को शांति और मोक्ष मिल जाएगा। कुंडली कहाँ मिलेगी? लक्ष्मी के घर से मिलेगी। अच्छा बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है याद है? लक्ष्मी के घर का पता मिल गया है, हम सब लोग कल वहाँ जाने वाले हैं। कहाँ है घर? वो केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे एक गांव है, नाम है वल्लीपुर। हाँ, जाते समय लक्ष्मी को भी ले जाना, जब गांव देखेगी तो कुछ और याद आ जाएगा। ठीक है, अब जाओ तुम लोग। ठीक है, सब ठीक होगा। आपने जैसा कहा वैसा ही करेंगे। क्या यार, तुम सावधान रहना। चलो पीते हैं। मस्त होटल है यार, पेट भर के खाऊंगा, बहुत भूख लगी है यार। कितनी देर हो गई, अभी तक आया नहीं। भाई कितना टाइम हो गया आपको डोसा बोले हुए हैं? मैं क्या आपको वेटर लगता हूँ? शकल से तो तू वेटर ही लग रहा है। अरे इडली तो ले आओ यार। क्या यार, आ चल चल खा लो। तुम खाओ। भाई अभी वेटर नहीं आया यार। अरे अरे मुझे वेटर बोल रहा है यार। क्या हुआ? रुक रुक रुक। क्या बे? करो ना। अरे हाथ कैसे उठाया? झगड़ा कर। हाथ कैसे? अरे इसको क्या रे? झगड़ा कर रहा है। चल निकल। निकल बाहर। निकल। मजा आ गया यार। अबे अपना हेलमेट तो लेके जा। ये अरे सर क्या हुआ? यार छोड़ूंगा नहीं भाई। ये शूटिंग की गाड़ी है, इसे संभाल कर चलाना, नहीं तो प्रोड्यूसर मेरी जान ले लेगा। तेरी जान लेगा ना, कोई बात नहीं। ओह मेरा भी दिन आएगा। अरे ये बहुत अच्छा है, कोई भी फिल्म हो या एल्बम हो, कुछ भी हो, यही गाड़ी दिखती है हमेशा। चुपचाप बैठ जा। ओके। हैं? अरे क्या हुआ, आगे नहीं बैठेगी? नहीं भाई, मैं इधर ही ठीक हूँ। क्या हुआ लक्ष्यू, दुखी क्यों लग रही हो? अरे वो घर जा रही है, उसी का टेंशन होगा। घर जा रही है तो खुश होना चाहिए। वहाँ अभी कौन होगा ये भी नहीं जानती।
तुम चिंता मत करो, सफर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे एग्जाम है, नहीं तो मैं भी साथ चलती। बहुत अच्छा हुआ। जो चल रहा है ना वो सब बैठ जाओ। ए ड्राइवर गाड़ी निकालो। ए तुम घर जाके पढ़ना, कल एग्जाम है। ठीक है। खेलना नहीं मोबाइल से, समझ गई? ओके। अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय। अरे बैठ जा, हो गया। बाय बाय लच्छू। से पूछते हैं भाई, वो वल्लीपुर यहां से सीधे जाइए। देखते हैं। हाँ मेरी बहन इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगी। इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ेगी ये? भाई मैं काम करके अपनी शादी का खर्चा खुद करूंगी। बहन किसी के साथ भाग तो नहीं जाएगी ना? मैं बीमारी के कारण काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, घर चलना मुश्किल हो गया है। वही काम करने जाती थी और उसी से घर का खर्च चलता था। हमारी तकलीफ दूर करूंगी कह के शहर गई काम करने, हमारी तकलीफ तो छोड़ो, वही किसी को फंसा के भाग गई उसके साथ। वो किसी के साथ भाग गई? आपके पास कोई सबूत है क्या? भाई बस करो, मैं उसका स्वभाव बहुत अच्छे से जानती थी। ये मेरी एक छोटी सी लड़की है, उसका ख्याल रखने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इनके इलाज में कितना पैसा खर्च होता है जानते हैं आप? उसने कहा शहर में काम करने जाएगी, हमारी तकलीफ दूर करेगी, लेकिन उसने क्या किया, खानदान को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बस करो। हाँ उसने स्कूल में एक छोटी सी गलती की। तुम उसी बात को पकड़कर आज तक इल्जाम लगा रही हो। हाँ हाँ मैं तो इल्जाम लगाती हूँ, सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं ही हूँ। मुझे तकलीफ के सिवा क्या मिला है? मेरा दुख समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। ये तो खाना क्यों नहीं खा रहा है, जल्दी खा। सब मुझी को बोलते हैं। ये मेरी वजह से तकलीफ उठा रही है, मेरी वजह से पूरा परिवार दुखी है। इस घर से शांति चली गई, सुख स्वास्थ्य सबका सब चला गया। आप लोग चाय पीजिए। यहां से जाएंगे तो पलामनी आएगा, संभल के उसी रास्ते से जाना, रास्ता ठीक नहीं है। हेलो, यहां से जाएंगे तो पलामनी है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, उसने ऐसा क्यों कहा कि संभल के जाना? ये लो चाय। नहीं चाहिए। क्या चल जाबे? ओ जाना। हाँ ना यार पक। रुको 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 थोड़ा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे लच्छू तुम कब आई? अरे थॉमस भाई। मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ। मैंने सुना था तुम किसी लड़के के साथ भाग गई थी। मैंने सुना था भाई, आपको क्या हुआ था? मुझे मरे 3 महीने हो गए, मुझे दफना दिया गया, फिर सब भूल गए। तभी से मैं बस ऐसे भटक रहा हूँ। क्या हुआ था? बैंक से लोन लेकर व्यापार शुरू किया था, उसमें नुकसान हो गया। जितना लगाया था उसका आधा भी वापस नहीं आया। उसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। उसके बाद केस लड़ने के लिए और उधार लिया,
उधार पे उधार हो जाने की वजह से घर में किचकिच होने लगी। मेरी बीबी मुझसे लड़ने लगी और बच्ची को लेके किसी के साथ मुझे छोड़कर चली गई। तो फिर मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। उसी की पुरानी साड़ी लेकर मैंने खुदकुशी कर ली। पर तुम घर नहीं गई? गई थी पर वापस आ गई। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? वो मेरे बच्चे का स्कूल छूटने वाला है, यहीं पास के स्कूल में पढ़ता है। मैं हमेशा उससे मिलने जाता हूँ। मेरे मरने के बाद भी वो मुझे कभी देखने नहीं आई, मेरा क्रियाक्रम भी नहीं किया, इसीलिए मैं इस तरह से भटक रहा हूँ। अरे लच्छू तुम किससे बात कर रही थी? पड़ोस में एक भाई थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली उन्हीं से। जहाँ भी जाओ भूत ही मिलते हैं, यहाँ पर जिंदा कोई है ही नहीं क्या? पहले ही कहा था हम लोग रास्ता भटक गए। अरे यार हमें लग रहा है हम लोग वापस उसी रास्ते पे जा रहे हैं। हम लोग कहीं से तो गलत मुड़ गए हैं पक्का। यहाँ तो दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं दिख रहा है। अरे यार गाड़ी लोग नहीं है यहाँ। कहाँ चली गई? अरे अरे अभी तो यही थी, अभी तो यही थी। हाँ कहाँ चली गई? वो देखो वो खड़ी है। क्या हुआ लच्छू? भाई मैं इस जगह को जानती हूँ, मुझे याद है मैं यहाँ पर कई बार आ चुकी हूँ। यही आसपास में मेरी सहेली रहती है, मैं इसी रास्ते से काम पर जाया करती थी। हाँ? मैं इस रास्ते पर कई बार आई हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है मैं इस रास्ते में आई हुई हूँ। इसका मतलब लक्ष्य की मौत यहीं कहीं आसपास हुई होगी। पर पता कैसे चलेगा? अगर सैम से कहें कि वो अपनी मशीन से पता लगाए तो शायद पता चल जाएगा, क्या बोलते हो? हाँ ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो, सैम हिंदी जानता है, यहाँ से सीधे सीधे चलते हैं। कहीं हाईवे ना पहुंच जाए हम लोग। सैम भाई हमारे साथ है ना? वेयर? क्यों मजाक कर रहे हो यार? मजाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी क्वाइट, इट्स बीपिंग, बी क्वाइट, आई हियर समथिंग। ये मशीन कैसे ढूंढेगी? बारिश हुई तो मशीन खराब हो जाएगी। Okay, we are close. You stay here. अरे यार बेटा, अरे आप लोग कौन है? आपको क्या चाहिए? ये क्या है? ये गोडाउन है, बहुत दिनों से बंद पड़ा है। तुम कौन हो? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। सर आप पहले बताइए आपको क्या चाहिए? हम एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए हैं, ये लोकेशन अच्छी है, हमें चाहिए। ओ आप फिल्म वाले हो, मैं समझ गया। तो परमिशन मिलेगी ना? हमारे बड़े साहब से पूछना पड़ेगा। अरे 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 बोर्ड को भी ढंग से साफ नहीं किया। चलो नमस्कार साहब। नमस्ते। हाँ, नमस्ते, मैं इस जगह का मालिक हूँ। हाँ। आप फिल्म वाले हो? हाँ जी। इंग्लिश मूवी है क्या? एक हॉलीवुड मूवी है, उसी के शूट के लिए आपका ये गोडाउन चाहिए था। अरे वो तो बंद पड़ा है, मेरे भाई ने कोर्ट से स्टे लिया है, 4-5 साल से बंद है वो। ऐसा मत कहिए यार। कैसे शूट करेंगे? हम लोग इतना पैसा देंगे ना कि आप पूरा केस लड़ लोगे उसी पैसे से। हाँ भाई एक बार खोल के दिखा देना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये हॉलीवुड वाले हैं। अग्रेश आया साहब।
ये क्या चीज है? त्योहार में यहाँ बहुत भीड़ होती है, पर उसमें अभी कुछ दिन बाकी है। हाँ, पर जगह बहुत अच्छी है ये। भाई बहुत मेहनत से बनाया है मैंने सब, जरा ध्यान रखना, इसकी एक एक ईंट पे मेरा खून पसीना लगा है। अरे भाई साहब, वो उस तरफ क्या है? वो मेरा पुराना वाला गोडाउन है, वो भी खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ। Can we have look at that place? क्या कहा? ये वो जगह देखना चाहते हैं? सर सर, वहाँ कुछ भी नहीं है सर, वहाँ कोई नहीं जाता, वायर वायर सब टूटा हुआ है, संभल के जाइए। ये कह रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं है। ध्यान से, वहाँ कुछ हो सकते हैं, हम में से तो वहाँ पे कभी कोई जाता ही नहीं है। यू रुको रुको, मैंने भी अपने मोहल्ले में एक नाटक में रोल किया था, इनसे कह के मुझे भी एक रोल दिला दो ना। यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं करता, अगर तुम रोल दिला दोगे तो लोग मेरी इज्जत करने लगेंगे। आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, बहुत अच्छा एक्टर हूँ मैं। हाँ ठीक है ना, आपको एक रोल देते हैं, ठीक है? बस एक रोल, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, मैं आपका ध्यान रखूंगा ना, टेंशन मत लो। There is something wrong with that place. It's not only Lachhu. There are several other deaths which take place at that location. आप ये पक्का कैसे बोल सकते हैं? Because I could feel a negative energy there. I'm very sure. Lachhu's dead body hidden somewhere there, and also the culprit. लेकिन हम कैसे जानेंगे? कौन हमारी मदद करेगा? अगर हम किसी और को भेजें, तो क्या वो कातिल को पकड़ पाएगा? लच्छू हमारा साथ देगी तो हम उसे पकड़ लेंगे। फिर वो एक yes, maybe, it's a serial killer. जब पुलिस को ही कोई सबूत नहीं मिला है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक रास्ता है, शेर को पकड़ने के लिए बकरी की बलि देनी होगी। मैं समझा नहीं। मैं समझ गई, मैनेजर को जिस तरह पकड़ा वैसे ही। करेक्ट। नहीं यार, उसमें खतरा है, हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, लच्छू जिस रास्ते से गई थी हम वहाँ सौम्या को भेजेंगे और चुपचाप हम उसका पीछा करेंगे और उसे पकड़ लेंगे। वो कोई भी हो, हम उसे छोड़ने वाले नहीं है। जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता उसे जीने का कोई हक नहीं है। आपकी सोच अच्छी है, आज के जमाने में ऐसे लोग हैं जानकर खुशी हुई। ऊपर वाले ने सृष्टि की रचना करते समय औरत को जन्म दिया, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, तुम लोग उससे हिम्मत से मुकाबला करना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमें यहाँ आए 2 दिन हो गए, अभी तक तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस लड़की के कातिल को पकड़ने के लिए हम कुछ भी करेंगे यार। घर में होते तो 2 पैक मार के सो रहे होते। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे लिए दवा लाया हूँ। ये कहाँ से मिल गया यार तुझे? ला दे, और कोई मांगा तो बांटनी पड़ेगी। ओह, आज कितने दिनों बाद मेरे हाथ लगी। सैम को नहीं देगा क्या? नहीं यार, वो पूरी की पूरी पी जाएगा, आदमी थोड़ी है वो। ये तो गर्म पानी है यार, जरा दिखा तो। रात में प्यास बुझाने के लिए गर्म पानी ही अच्छा है। बस एक बार वो कातिल पकड़ा जाए, कसम से 100 कैंडल्स जलाऊंगा। आमीन। सौम्या, हाँ? तैयार हो जाओ। सौम्या सावधानी से, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो चलो, चले गए। सैम चलो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखते हैं।
सुनो हम वहाँ देखेंगे। Hey bro, wait a minute. I want to go for a leak. जाओ। Open air, open air, open air, open air. जरा सांप बिच्छू से सावधान रहना। Hey, you guys, wait for me. हाँ, ठीक है। Yes, we always wait. अबे American English है। हाँ, ठीक है, जानता हूँ। हाँ, हाँ। Hey, कौन हो तुम लोग? और रोज रोज यहाँ के चक्कर क्यों लगा रहे हो? हाँ? भाई, आप सीन क्रिएट मत करो। हम लोग यहाँ दूसरे काम से आए हैं। भाई ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें रेस्टोरेंट में मारा था। तुम लोग हमसे पंगा लोगे? हमारी देखिए हिम्मत, जरूरी काम से आए हैं। प्लीज देखिए झगड़ा मत कीजिए, हमारी बात मानिए। प्लीज प्लीज अरे अब मारना तो बहुत मारेंगे। ए व्हाट्स अप ना, मैं बताता हूं। अरे मारना, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। आ जाओ सैम आ गया, अब दिखाओ ताकत। आ जाओ सैम आ गया, आओ। तो तुम लोग प्लान करके आए हो? ये सैम कौन है? आ जा। ये कालिया सैम है क्या रे? अरे देखो मुझे मार रहा है, अरे बचाओ ना। ए लच्छू इधर आ। बेबी नींद आ रही है क्या? तुम्हारी जैसी लड़कियों को अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, जमाना बहुत खराब है। मैं तुम्हें ना एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। हैं? चेलमपट्टी, हाँ चेलमपट्टी नाम का एक गांव था। उस गांव में गणेश नाम का एक लड़का था। उसके पापा नहीं थे, सिर्फ माँ थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो अपनी माँ को भगवान की तरह पूजता था। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, मल्लिका। वो उससे बहुत प्यार करता था। ए गणेश, शहर में एक नई पिक्चर लगी है, देखने चलेगा क्या? माँ की तबीयत खराब है, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। अरे देखना, देख मल्लिका आ रही है। इस गाँव की सबसे सुंदर लड़की मेरी मल्लिका। हाँ? ही है। क्या कहा? तेरी मल्लिका? शक्ल देखिए अपनी। अरे बड़ा है, जमींदार की बेटी है, जान से मार देगा तुझे वो। अरे पागल हो गया क्या? अरे वो रोती हो क्यों गई यार? अरे गिर गई ना, लग गई होगी, मुझे देख। अरे कुछ नहीं हुआ है। ये घर है उसका घर। बाहर निकलो, कल निकल। अंदर कौन है? मेरा बेटा है। तो जमींदार की बेटी से प्यार करेगा? क्या हो रहा है?
तूने मल्लिका पे हाथ डाला? बोल, बताऊंगा मैं। माँ, बेचा। साहब, यही है गणेश। मैंने कुछ नहीं किया साहब। यही था क्या? अरे इतनी हिम्मत कि तू मेरी लड़की को छेड़ेगा? ले जाओ इसे और मार के फेंक दो। और ना इसका और से खत्म होते ही हम इसकी शादी कर देंगे। हाँ, ठीक है साहब। मल्लिका कहाँ है? वो अंदर है। मामा, उस लड़के की मां मर गई, लाश गली में पड़ी हुई है, क्या करें अभी? करना क्या है, जला दो उसे। सड़क के किनारे जो कचरा पड़ा है ना, उसी के साथ जला दो। सुनी, ऐसा मत कीजिए, हमें पाप लगेगा। तुम चुप रहो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो कोई हमसे नहीं डरेगा। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस लड़के ने मल्लिका पर बुरी नजर डाली है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम वो काम खत्म करो। चलो चलो मेरे साथ। माँ, 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 गणेश, गणेश, माँ, गणेश, तू ठीक है ना? गणेश, सब ठीक हो जाएगा। माँ कहाँ है? तेरी माँ को माँ लोगों ने मार डाला। माँ, माँ कहाँ है? माँ, ये क्या है? तू यहाँ तक आ गया? चल बाहर निकल। देख, मेरे करीब मत आना, जान ले लूंगी तेरी। पिताजी के समझाने से भी नहीं समझा तू। मेरी माँ का क्या कसूर था? उसे क्यों मार दिया तुम लोगों ने? तुझे अनजाने में छूने की इतनी बड़ी सजा मिली, अब मैं जानबूझ के छूऊंगा, देखता हूँ क्या करेगी तू। मेरे जीते जी तो मुझे नहीं छू सकता। हाँ, नहीं छू सकता मुझे। तो तू मर जा। तूने कहा जीते जी मैं तुझे छू नहीं सकता, इसलिए मार दिया। तेरे कारण मेरी मां मरी। मल्लिका, कैसी लगी मेरी कहानी?
मल्लिका ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तू उसके पास जाके बताना मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इस जन्म में तो उसे भूल नहीं सकता। मुझे थोड़ा काम है, मैं खत्म करके आता हूँ, तुम सो जाओ हैं? बेबी तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, इस जगह पर दूसरी लड़की आ गई है ना, अब दोनों को एक साथ तो नहीं रख सकता हैं? बुरा मत मानना, जब ऊपर जाओगी तो मल्लिका से कहना कि मैंने उसे बहुत याद किया। अब तुम्हारे जाने का समय हो गया। अरे रे रे, क्या हो गया मेरी जान को? बहुत चोट लगी है, दर्द हो रहा है क्या? मैं हूं ना तुम्हारा गणेश, तुम चिंता मत करो। क्यों मेरी जान, मैं तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? तुम उससे डर के भाग रही हो? मेरी तो मरो। सोई है मेरी जान? छोटा
आ जाओ आ गया आ कर रहे हो आ ना मदद तो आ हे सौम्या कहाँ गई हाँ अरे यार सौम्या कहाँ गई अरे सैम को ढूंढो सैम कहाँ है लच्छू चलो 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 ढूंढते उन्हें चलो चलो चल चलो उधर जाके देख उधर जाके देख हाँ 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 लच्छू अली विनीत स्टीफन हाँ क्या हुआ हाँ क्या हुआ ये देखो लच्छू की डेड बॉडी लच्छू अरे ये तो वॉचमैन है ये कैसे मारा पता नहीं अरे यार ये कैसे मर गया किसने मारा होगा नहीं मालूम हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा समझ ही नहीं आ रहा ये इसका आजा आजा जल्दी आजा 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 लच्छू ये लड़की कौन है तुम जानती हो इसे पंडित जी से कहना मैंने बदला ले लिया है तो उसने तुम्हें मारा था क्या हाँ भाई उसने मारा सिर्फ मुझे ही नहीं मेरी जैसी बहुत सी लड़कियों को ओह माय गॉड दिस गाय मस्ट बी अ नेक्रोफिलियाक अ साइकिक डिसऑर्डर मतलब इट्स अ सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स कॉर्पसेस दैट हैविंग सेक्स विद डेड बॉडीज सम साइकिक गोज टू ग्रेवयार्ड और मॉर्चुरीज सम किल्स टू यूज द बॉडी एंड लिव इट देयर इन दिस केस ही इज क्लेवर He kills and preserves the body for the future use. मुझे लगता है इस बारे में हमें पुलिस को बताना होगा। नहीं भाई, देखिए आप कुछ मत बोलिए। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसी कई लड़कियों को कत्ल करके, उनके साथ गलत व्यवहार करके, गंदगी के दलदल में धकेल दिया। लड़कियों के घर वालों के बारे में कुछ नहीं सोचा। लड़कियों की इज्जत का डर घर वालों को होता है, इसलिए वो बाहर की दुनिया से डरते हैं। इसलिए बाहर पढ़ाने से या फिर बाहर नौकरी करने से घर वाले हिचकिचाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे कहीं छुपा दो, मेरे बारे में किसी को पता ना चले। कहाँ? उस दलदल में। बहुत दिनों से मेरी लाश फ्रीजर में रखी थी, अब दलदल में डाल दो। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। तुम पागल हो गई हो क्या? हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। पंडित जी के अनुसार हम क्रियाक्रम करेंगे, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। नहीं भाई, मेरे जैसी वहाँ और भी लड़कियाँ हैं, मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा है। अपनी भूतनी बेबी की आखिरी बात नहीं मानोगे? तो तुम उन्हीं लड़कियों के साथ रहना चाहती हो? हाँ, मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। लच्छू Finally, it's time for you to leave. आप सबका धन्यवाद। अब ये भूतनी बेबी जा रही है भैया। जाके आती हूँ बोलो बहन। ठीक है, जाके आती हूँ।